गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपकी? जीवन के लुत्फ उठा रहे हो? हाँ जी, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कर लिए? आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ और आज हम रिवीजन, पिछली कोई रिवीजन ना करके सीधा सीधा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? ओके, तो रिवीजन हम करेंगे इस चैप्टर के बाद। ये चैप्टर दो क्लासों में होगा। सर कौन सा चैप्टर है? लो जी लो, आपने नाम पूछा, वैसे तो पढ़ ही लिया होगा, पहले ही आया था। लो, चैप्टर 17, इंस्पेक्शन सर सीजर। ई वे बिल भी इसी में मैंने डाल रखा है, तो ई वे बिल का थोड़ा सा आइडिया आज दे दूंगा, बाकी ई वे बिल अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? कंप्लीट कैसे जनरेट होता है सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर। तो अपना चैप्टर नंबर 17 निकाल लो जी, चैप्टर नंबर 17 निकाल लीजिए जी, पेज नंबर 17.1। पहले मैं आपको इनके मीनिंग समझा दूं। इंस्पेक्शन क्या होता है, सर्च क्या होता है, सीजर क्या होता है, अरेस्ट क्या होता है, एक कॉन्फिस्केशन वर्ड भी होता है, तो वो भी मैं आपको डिफरेंस समझा दूंगा, ठीक है? पहले तो आप ये चैप्टर 17 निकाल लीजिए जी। देखें, मैं आपको थोड़ी सी एक इसका आइडिया स्टोरी से सुनाता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा इनके बीच में डिफरेंस, फिर मैं लिखवा दूंगा। आओ आओ आओ, ये क्या है, डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय? कैसे? ये चोरी चकारी में इन्वॉल्व था, ये जो मालिक है ये चोरी चकारी में इन्वॉल्व है। ये इसको बोलती है, तुम ये गलत काम कर रहे हो, तुम्हारी मैं शिकायत करूंगी। तो इसको गुस्सा आ गया, इसको गुस्सा आ गया, इसने पकड़ कर पीट दिया इसको। देखो कैसे बुरे तरीके से मारा है बेचारी को। बताओ क्या ये चुप बैठने वाली है अब, या जो ये घड़म घोटाला गड़बड़ किया करता है, बिना बिल के माल बेचता है, ट्रक वाले को भी साथ में मिला रखा है, इवन इसका माल गोडाउन पे पड़ा रहता है, वहां पे भी उसके बिल नहीं कटे हुए, तो ये गड़बड़ घड़म घोटाले में इन्वॉल्व है। लो जी लो, इसने ओ जाके शिकायत कर दी। किसके पास? डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट को, कमिश्नर को पता लगा कि ये बंदा मोटू तोंदू ऐसे नहीं, इसकी तोंद बड़ी हुई, इसके अंदर 2 नंबर का पैसा भरा हुआ है, इसने बिना बिल के कई बार माल बेचा है और डिपार्टमेंट को पता ही ना लगा। अब कमिश्नर ने इसकी एम्प्लॉय की शिकायत पर, कमिश्नर इस एम्प्लॉय की शिकायत पर अपने ऑफिसर को बुलाया, बोले जाओ इस फला फला बंदे के वहां पे प्रिमाइसिस पर इंस्पेक्शन करके आओ, इस मोटू तोंदू के दुकान पे जाओ, इसके बिजनेस प्लेस पे जाओ और उसके यहां पर इंस्पेक्शन करके आओ। तो ये इसका ऑफिसर ओ गया वहां, मोटू तोंदू बड़े हाथ मिला मिला के बातें कर रहा है, और इसने क्या बोला कि तुम मेरे को दिखाओ अपनी बुक्स, दिखाओ अपने यहां पे, उसने इसने इनकी बुक्स देखी, डॉक्यूमेंट्स देखे, तो इसका तो सर चकरा आ गया, बोले ये क्या, तुम तो गरम घोटाले में इन्वॉल्व हो। इवन ये चेक करने के लिए ये एक काम ऐसा भी कर सकता है कि ये देखे कि उससे माल परचेज कर ले, देखे बिल बनाता नहीं बनाता, ये चेक करने के लिए ये ऐसे ऑफिसर के पास, ऑफिसर इसके पास जा सकता है। बताओ भी बताओ, तुम जरा मेरे को बताओ, तुम मेरे को ये सामान परचेज करना है, बिना कोई आइडेंटिटी दिखाए उसको ये बोले मेरे को सामान परचेज करना है, और ये खुश हो के क्या कर रहा है, आह हमारे प्रोडक्ट देखो क्या लाजवाब है, आप हमसे लोगे, एक बार लोगे, बार बार लोगे। ये क्या बोलता है, मेरे को जीएसटी नहीं देना, कह रहे आप क्या बात करते हो, बिल विल की जरूरत ही नहीं है, यहां दिल चाहिए तो मैं बिना बिल के ही माल बेच दूंगा। इस
इंस्पेक्शन से इसे पक्का हो गया ये गड़म घोटाला बंदा है। तो अब ये क्या करेगा, क्या ये इस इंस्पेक्शन के दौरान इसकी कमिश्नर, ये कमिश्न, ये जो परचेज करने आ सकता है कमिश्नर भी आ सकता है, इसका अथोराइज ऑफिसर भी आ सकता है। तो हमने लिखा अथोराइज ऑफिसर परचेज करने आया हुआ है। तो अब ध्यान से सुनना, ये ऑफिसर यहां परचेज किया, बिल ना इशू किया, अब क्या ये इसका माल सीज कर सकता है? ये इंस्पेक्शन है, सर्च नहीं है। ये जो माल सीज हो सकता है या इसकी बुक सीज करना चाहता है वो हो सकता है? ना, ये सीज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सर्च वारंट लेके आना पड़ेगा। इंस्पेक्शन इज जस्ट लाइक सरप्राइज विजिट। इस इंस्पेक्शन के दौरान अगर पता लगता है कि कुछ गड़म घोटाला है तो फिर ये सर्च वारंट लेके आए, फिर ये डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, गुड्स जो उठाना है उठा ले जाए, पोजेशन में ले जाए। ठीक है, तो अब जब इसने यहां पे इसके डॉक्यूमेंट चेक किए, इसने फिर अपनी आइडेंटिटी दिखाई कि मैं तो ऑफिसर हूं, ओह इसके पसीने छूटने लगे, मोटा मोटू का पानी निकलने लगा, उसका तो हालत खराब हो गई। कहता है कि बोले अटक मत, किताबें दिखा। जब इसकी किताबें देखी तो पता लगा इस बंदे का माल किसी के वेयरहाउस में पड़ा हुआ है, किसी इको के किसी के वेयरहाउस में पड़ा हुआ, वो भी अनअकाउंटेड। इसने अपने रजिस्ट्रेशन में उसके प्लेस को एडिशनल प्लेस नहीं दिखा रखा, फिर भी माल वहां रखा हुआ है। अब जानते हैं रजिस्ट्रेशन कराते समय अगर आप किसी के गोदाम में, इको के गोदाम में अगर आप सामान रख रहे हैं तो आपको उसको एडिशनल प्लेस दिखाना पड़ेगा, इसने नहीं दिखा रखा। नंबर दो, ट्रक वाले के पास भी इससे बातों में पता लगा, एक इसका ट्रक वाले का ड्राइवर खड़ा हुआ था कि इसका एक ट्रक कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टर के यहां भी खड़ा हुआ है। तो अब ये ऑफिसर क्या करेगा, अब ये ऑफिसर चलेगा पहले विजिट मारने, कहां। लो जी, ये इसके प्लेस पर भी विजिट करने आ सकता है, ये ट्रक वाले के भी यहां पे। तो देखें, नो, वो ये क्या है, ये है आप टैक्सेबल पर्सन का प्लेस। ये क्या है, लो जी, ये टैक्सेबल पर्सन का प्लेस है। ये क्या है, जहां ट्रक खड़ा हुआ है जिसमें एक कंसाइनमेंट है वो ट्रांसपोर्टर का प्लेस है। तीसरा ये क्या है, वो वेयरहाउस जहां पर आपका माल रखा हुआ अनअकाउंटेड। तो सवाल ये है कि क्या ऑफिसर इंस्पेक्शन अब इनके प्लेस पे भी कर सकता है क्या, क्या ऑफिसर इंस्पेक्शन टैक्सेबल पर्सन के यहां कर सकता है या ट्रांसपोर्टर के यहां पे भी जाके इंस्पेक्शन कर सकता है या वेयरहाउस ओनर ऑपरेटर के यहां पे भी इंस्पेक्शन कर सकता है? इसके यहां तो गड़म घोटाला मिला और इंफॉर्मेशन भी मिली। इसके एम्प्लॉय ने, डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय, ये था ना इसका डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय, जो इसने बताया था इसकी इंफॉर्मेशन के बेस पे हमने इसके प्लेस इंस्पेक्शन करी, यहां पता लगा ट्रक वाला भी इसके साथ मिला जुला है, तो क्या उसके प्लेस इंस्पेक्शन हो सकती है? जी हाँ, पता लगा कि जो ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस है वो भी अनअकाउंटेड इसका सामान रखे हुए है, तो इसके प्लेस भी इंस्पेक्शन हो सकती है। जी हां। अब प्रॉब्लम क्या है, इंस्पेक्शन में ये इस माल को उठा के नहीं जा सकता, ये इसकी किताबों को नहीं उठा के जा सकता। तो अब उस ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन को सर्च में कन्वर्ट कराएगा, इंस्पेक्शन सर्च में कन्वर्ट होगी और सर्च वारंट इश्यू कराएगा, जाके अपने ऑफिसर से वो सर्च वारंट इशू करा लेगा। तो इसने सर्च वारंट इशू कर दिया। अब सर्च वारंट इशू होने के बाद अब ये क्या करेगा, अब इसकी किताबें उठा सकता है, अब इसका माल उठा सकता है। तो सर्च में आपको सीज करने की, गुड्स को पोजेशन में लेने की, सर्च में ही गुड्स को सीज करने की, बुक्स को, डॉक्यूमेंट्स को, थिंग्स को सीज करने की पावर आ जाती है। तो अब लो जी, चला कहां इसके डॉक्यूमेंट्स को सीज कर लेगा,
इसके बुक्स को सीज कर लेगा, और ये डॉक्यूमेंट बुक्स थिंग्स को सीज कर लेगा। दूसरा, गुड्स को भी सीज कर लेगा। सर, गुड्स को सीज करने लगा, मोटू ने इसका हाथ काट दिया। ओह, ये डर तो है, उसने अपने कुत्ते छोड़ दिए इसके ऊपर में। ओहो, ये डर तो है कि ये ऐसी उल जलूल हरकत कर सकता है। मोटू गुस्से वाला बंदा है, जब उसने एम्प्लॉय को ठोक पीट के मारा था तो ये ऑफिसर की तो जान बचा देगा, ये तो इसका नुकसान कर रहा है। तब ऐसे परिस्थिति में, ये सब सेक्शन 67 की बातें थी, ऐसी परिस्थिति में वो हेल्प ले सकता है पुलिस की। लो जी लो, इसने पुलिस की हेल्प ली, ये इसको डंडे से बजाएंगे। अगर इसने ये गुड्स का पोजेशन न लेने दिया तो इसको डंडे से बजाएंगे। 72 में पावर है कि अब ये इनकी पुलिस की सहायता ले लेगा इस माल को सीज करने के लिए। बुक्स भी सीज कर ली, बुक्स भी सीज मतलब पोजेशन में ले ली, पोजेशन में ले ली। एक होता है कॉन्फिस्केशन, सीज और कॉन्फिस्केशन में फर्क है। कॉन्फिस्केशन में गवर्नमेंट की ओनरशिप हो जाती है, तो अभी हम सीज की बात करें। पोजेशन में ली है, अभी पोजेशन में ली है, बुक्स भी और गुड्स भी इन्होंने इकट्ठी कर ली अपने पास में। अब ये बंदा कहता है, मोटू तोंदू कहता है, मेरे को इसकी एक फोटोकॉपी तो लेने दो, तुम ये बुक्स उठा जाओगे तो मेरे को जिन जिन से पैसा लेना है मैं उनसे पैसे कैसे लूंगा, तुम सारी बुक्स उठा के ले जा रहे हो। बोले अच्छा, तुम लेना चाहते हो एक कॉपी ले लो, इन रिकॉर्ड्स की वो कॉपी चाहता था। हमने कहा ले ले भाई, अगर हमें लगता है कि इससे हमारी सर्च पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम इसको दे देंगे। ऑफिसर इसको क्या कहेगा, ले जा भी ले जा, तू ले जा। अच्छा, लेकिन एक बहुत बड़ी मशीनरी रखी हुई है, धागे का बिजनेस करता है और ये थ्रेड वाली इतनी बड़ी मशीनरी रखी हुई है, क्या करें क्या करें, इसको तो हम भी नहीं उठा के जा सकते, इसको तो अनइंस्टॉल करके टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हम ले जा पाएंगे। और कुछ माल तो इसके अंदर मशीन के अंदर ही है, WIP में है, इसको सीज नहीं कर सकते, क्या करें, डिटेन कर लो, यहीं पर ही ताला लगवा दो, सील कर दो इस माल को। बोले इनमें तू डील ना करेगा बिना हमारी परमिशन के, ये इनमें तो इन गुड्स में डील ना करेगा बिना हमारी परमिशन के, बिना हमारी परमिशन के। अच्छा, तो पहले फिर से याद कर लो, इंस्पेक्शन करने गए थे, गड़बड़ घड़म घोटाला मिला तो गुड्स और डॉक्यूमेंट को सीज नहीं कर सकते थे, उसके लिए पहले सर्च वारंट लेके आए। सर्च वारंट लाने के बाद फिर अब बुक्स गुड्स सीज किए, लेकिन जो सीज नहीं हो सकते उनका क्या करेंगे, उनका उनको डिटेन कर लेंगे, ताला लगा देंगे कि तुम इन गुड्स में डील ना करोगे बिना हमारी परमिशन के, बिना हमारी परमिशन के। अच्छा, ये कुछ दरवाजा या कोई अलमारी, कह रहा है इसका मेरे पास ताला लगा हुआ, चाबी मेरे पास नहीं है, वो रोकता है तो लो जी तोड़ेंगे, ये देखो दरवाजे को तोड़ेंगे। अगर किसी डोर का कोई संदूक का रिसेप्टेकल बोलते हैं उसको, जिसमें उसे लगता है ऑफिसर को इसमें सामान हो सकता है जो कन्फिस्केशन के लायक है या डॉक्यूमेंट बुक्स जो हमारी सर सीजन में सहायता देंगे, तो उनको क्या करेगा, ओपन करेगा, ब्रेक कर देगा। अगर वो ओपन नहीं हो सकते तो तोड़ देगा, तोड़ फोड़ मचा देगा। अच्छा, अब जो ये बुक्स लेके गया है, क्या ये अपने पास ही रखेगा या इन्हें हमें वापस करेगा? जब तक इस सर्च के दौरान इसे जरूरी लगता है तब तक ये अपने पास ही रखेगा। और इन गुड्स का क्या करेगा, ये गुड्स का क्या करेगा, गुड्स भी उठा ले गया है। ओह माय गॉड, तो आओ नेक्स्ट। ये जो बुक सीज करके गया है ये तब तक अपने पास रखेगा जब तक इसे लगता है ये इंक्वायरी प्रोसीडिंग के लिए मुझे रिक्वायर्ड है, एग्जामिनेशन के रिक्वायर्ड है। लेकिन मान लीजिए वो 3 साल की बुक्स थी उठा के गया,
एक साल की बुक्स में कोई गड़बड़ नहीं है, उसके लिए कोई नोटिस इश्यू करना नहीं बनता है, तो ये बाकियों के लिए नोटिस इश्यू करना बनता है। ध्यान दीजिएगा, सर नोटिस कौन था? सुनो, जो बंदा माल उठाने आया है, जो सर सीजर करने आया है, वो अलग ऑफिसर है। अब इसके बाद अब सर सीजर वाला ऑफिसर और दूसरा आप एसएससी दोनों किसी एक थर्ड ऑफिसर के पास जाओगे, जहां पर आप अपना पक्ष रखोगे, क्योंकि अब ये सर सीजर, ये सीजर जो ही है, पोजेशन जो गया है, अब ये कॉन्फिस्केशन में कन्वर्ट हो सकता है। कॉन्फिस्केशन मतलब जो गुड्स वो लेकर गए हैं उसकी ओनरशिप ही गवर्नमेंट की हो जाएगी। तो इसके लिए ऑफिसर को नोटिस इश्यू करना होता है 6 महीने में, ताकि वो सर सीजर वाला ऑफिसर और एसएससी दोनों आके अपना पक्ष रखें उसके सामने। ठीक है, तो सुनिएगा, अब ये डॉक्यूमेंट बुक्स थिंग्स 3 साल की उठा के गया था, 1 साल की बुक्स उसको लगता है इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वो उसे क्या करेगा, लौटा देगा, ले जा बेटा ले जा। कब? नोटिस इश्यू करने के 30 दिन में बोलेगा, जा तू इनको ले जा, जो मेरे काम के नहीं वो तू ले जा, जो मेरे काम के हैं वो अभी तू मेरे पास छोड़ जा। और गुड्स का क्या? अगर ये इसको 6 महीने के अंदर अंदर, गुड्स सीज करने के 6 महीने के अंदर अंदर नोटिस न इशू किया कि आओ अपना आके पक्ष रखो, तो ये गुड्स लौटाने पड़ जाएंगे। ये गुड्स क्या होगा? लौटाने पड़ जाएंगे, ये गुड्स लौटाने पड़ जाएंगे। ठीक है, अच्छा सर, सर क्या हम ये गुड्स प्रोविजनली रिलीज करा सकते हैं? हाँ, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी दे दो या सिक्योरिटी दे दो, बॉन्ड भर दो, सिक्योरिटी दे दो, तो रिलीज करा लो। बाद में जब फाइनली प्रोसीडिंग के बाद जो डिसाइड होगा, वो अगर टैक्स इंटरेस्ट आपका कुछ ड्यूज निकल के आए तो पे कर देना, तो प्रोविजनली रिलीज भी किया जा सकता है। अच्छा, ये जो बुक्स, ये जो गुड्स उठा के गया था, पेरिशेबल थे, खराब होने वाले थे, लाइफ ही खत्म हो जाने वाली थी उनकी, क्या करे? उनको बेच देगा, उनको क्या करेगा, बेच देगा, उनको बेच देगा। यहां तक बात समझ में आती है? हाँ जी। तो आइए एक बार मैं फिर से आपको शॉर्ट में स्टोरी सुना दूं और फिर हम इसको चार्ट से देखेंगे। फिर से देखिए, यहां क्या हुआ, इस मोटू तोंदू ने इस एम्प्लॉय को पकड़कर पीटा, तोड़ मरोड़ दिया इसको, और बोला ऐ क्या चोरी चकारी करता, मेरी शिकायत करेगी, और इसने इसकी ऐसी पिटाई होने के बाद गुस्से में आकर आंखों में खून भरकर कहां जाकर शिकायत कर दी, इसकी शिकायत कर दी ऑफिसर को कि ये बंदा बिना बिल के माल बेचता है, इसका माल किसी और के गोदाम में पड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टर ट्रक वाला भी इसके साथ मिला हुआ है। तो इस ऑफिसर ने क्या किया, अपने कमिश्नर था ये, कमिश्नर के पास शिकायत आई थी, कमिश्नर ने अपने अथोराइज ऑफिसर को, एक ऑफिसर को अथोराइज किया, जाओ जाकर चेक करो जो ये शिकायत कर रही है ऐसी बात है या नहीं है। यहां देखो कैसे बड़े प्यार से मिल रहा है, ओहो हो क्या कह रहा है, ऐसे ऐसे पेश आ रहा है जैसे कि इससे सीधा कोई बंदा ना हो। अच्छा, ये इंस्पेक्शन करने के लिए वो एक काम और कर सकता है, ये ऑफिसर क्या कर सकता है, इसके यहां से माल परचेज करे, इसके यहां से माल परचेज करे, ये चेक करने के लिए कि ये बिल बनाता है या नहीं बनाता है, ये भी ऐसा कर सकता है। अच्छा, और इसने अगर बिल नहीं बनाया तो बड़ी तारीफें कर रहा था अपने प्रोडक्ट की, आहा हा मेरा प्रोडक्ट तो लाजवाब है, एक बार लोगे बार बार लोगे, जीएसटी छोड़ो जीएसटी तो मैं लूंगा ही नहीं, बिना बिल के माल परचेज कर लो आप। यहां इसे पक्का हो गया ये चोरी चकारी में इन्वॉल्व है। फिर इसने अपना आई कार्ड दिखाया और इसकी बुक्स देखी, तो पता लगा ट्रक वाला भी इसके साथ मिला हुआ है, एक वेयरहाउस वाला भी इसके साथ मिला हुआ है। तो ये कहां चल दिया, ये चल दिया उसके यहां पर, उसके यहां भी एक बार इंस्पेक्शन कर लेते हैं, ट्रक वाले के यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो ये कहां कहां, टैक्सेबल पर्सन के यहां पे इंस्पेक्शन करी, इसने ट्रांसपोर्टर के यहां पे इंस्पेक्शन करी, और ओनर ऑपरेटर वेयरहाउस के यहां पे इंस्पेक्शन करी,
और इस इंस्पेक्शन के दौरान इसे पक्का लग गया कि ये माल जो है ये बिना टैक्स पे किए हुए रखा हुआ यहां पर, तो इस इन गुड्स को उठाना चाहता था, इन बुक्स को उठाना चाहता था। प्रॉब्लम ये थी कि इंस्पेक्शन एक सरप्राइज विजिट है, आप माल उठा नहीं सकते, आप यहां पर माल उठा नहीं सकते, आप डॉक्यूमेंट उठा नहीं सकते हैं। इसके लिए अब इंस्पेक्शन अब सर्च में कन्वर्ट हो जाएगी। इंस्पेक्शन अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सर्च में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके लिए इसे सर्च वारंट लेकर आना पड़ेगा। सर्च वारंट लेके आया और इसने क्या किया? बुक्स डॉक्यूमेंट को सीज कर लिया। दूसरा किसको सीज कर लिया? गुड्स को सीज कर लिया। गुड्स को सीज करते समय दिक्कत आई। क्या दिक्कत? ये आई कि ओहो, वो उसका हाथ काटने लगा। पुलिस वाले ने डंडा मारा, मुंह तोड़ दिया इसका। अरे तू हमारे ऑफिसर के ऊपर छींटाकशी करेगा, तेरी जान निकाल देंगे। तो डॉक्यूमेंट, बुक्स, गुड्स ये सीज करने के लिए आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं, ऑफिसर पुलिस की सहायता ले सकता है। अच्छा, ये जो बुक सीज करे थे इन्होंने, तो इसके वो कहता मेरे को एक कॉपी तो दे दो, जिन जिन से मेरे को पैसे लेने, मैं कैसे लूंगा? उनका ले जे, ले ले फोटो कॉपी, ले ले, रो मत, ले इसकी फोटो कॉपी ले ले तू। फिर ऐसी मशीनरी मिली जो इतनी भारी भरकम थी, या गुड्स जो WIP में थे जिनको सीज करना संभव नहीं था, तो उन्होंने कहा चलो इसको हम ताला लगा देते हैं, इसको तुम इनमें डील नहीं करोगे, इनको हम डिटेन कर देते हैं, इनको हम क्या करते हैं? डिटेन कर देते हैं। अच्छा, कोई अलमारी, कोई दरवाजा ओपन करने से मना करते हैं तो आप उसे ओपन करो, उसको हटा दो, और ब्रेक भी कर सकते हो, और यहां फिर वो रोके, पुलिस वाले से डंडा लगवाओ उसको, ठीक है? तो ऐसा कर सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट, बुक्स, थिंग्स, क्या वो इनडेफिनेटली अपने पास रखता है? नन्ना नन्ना ना, ये डॉक्यूमेंट जो उसमें से काम के नहीं है वो तो वापस लौटा देगा नोटिस इश्यू करने के 30 दिन में, जिसमें कोई गड़बड़ है नहीं उनको तो वापस लौटा देगा नोटिस इश्यू करने के 30 दिन में। अच्छा, गुड्स के लिए भी, अगर सीज करने के 6 महीने में इसने नोटिस ना इशू किया, ताकि उसकी सुनवाई करनी है कि कन्फिस्केट करें कि ना करें, इस 6 महीने में नोटिस ना इशू किया तो इसे गुड्स वापस लौटाने पड़ जाएंगे। हालांकि ये 6 महीने के लिए फर्दर एक्सटेंशन भी हो सकती है। अच्छा, फिर इसके बाद, अच्छा सेक्शन 17 बाद में करेंगे, एक बार यही चार्ट आपको मैंने दे रखा है, तो आई जरा एक बार इसे पेज नंबर 17.4 पे चार्ट है वहां से दिखा देता हूं, फिर मैं इनके मीनिंग डिफरेंस लिखवा दूंगा, ठीक है? आइए, पेज नंबर 17.4 पर, पेज नंबर 17.4 पर देखेंगे फटाफट से। हां जी, हु विल इंस्पेक्ट एंड वेयर? JC ज्वाइंट कमिश्नर और अबव, JC या उससे अबव वाला ऑफिसर अथोराइज करेगा। इसके पास कंप्लेंट आई थी तो इसने अथोराइज किया एनी अदर ऑफिसर को, इसने अथोराइज किया एनी अदर ऑफिसर को। इसके पास क्या आया था? शिकायत आई थी। ये इंस्पेक्शन सर सीजर करने के लिए इनके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए। JC और अब अगर ये इंस्पेक्शन करवाना चाहते हैं किसी अपने ऑफिसर से, तो इनके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए। और ये रीजन टू बिलीव कैसे आया था? एग्जाम्पल, ये रीजन टू बिलीव आया था इंस्पेक्शन करने के लिए, कोई शिकायत आई डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय से। एग्जाम्पल, डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय या रिलेटिव से शिकायत, अच्छा फिर तो इसने क्या किया था? इसने अथोराइज किया था किसी ऑफिसर को जाके कहां कहां इंस्पेक्शन करो, टैक्सेबल पर्सन के प्लेस पे, ट्रांसपोर्टर के प्लेस पर, ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस के प्लेस पर। तो इंस्पेक्शन कहां कहां हो सकती है?
टैक्सेबल पर्सन के प्लेस पे हो सकती है, अगर साथ में ट्रक वाला भी मिला हुआ है, उसके यहाँ पे भी कोई ट्रक खड़ा है बिना अनअकाउंटेड, बिना बिल वाला, तो उस ट्रांसपोर्टर के प्लेस पे इंस्पेक्शन हो सकती है, या वेयरहाउस में अनअकाउंटेड सामान रखा हुआ तो ओनर ऑपरेटर वेयरहाउस के यहाँ पे भी इंस्पेक्शन हो सकती है, इंस्पेक्शन हो सकती है। क्यों इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन क्यों करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे ये वजह है, अगर टैक्सेबल पर्सन की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टर ओनर वेयरहाउस की बाद में बात करते हैं, पहले हम सिर्फ टैक्सेबल पर्सन की बात करें। अगर टैक्सेबल पर्सन ने सप्रेस कर रखी है एनी ट्रांजेक्शन सप्लाई, वैल्यू कम दिखाई, माल बेच रहा है वैल्यू कम दिखाता है, या वैल्यू कम दिखाई, या स्टॉक को सप्रेस किया, स्टॉक कम दिखाया, या एक्सेस आईटीसी ले लिया, फेक बिल पे क्रेडिट ले रहा है, फेक बिल पर क्रेडिट, फेक बिल पर क्रेडिट ले रहा है, या कंट्रावेन प्रोविजन टू इवेट टैक्स, या कंट्रावेंशन टू प्रोविजन टू इवेट टैक्स, कोई भी एक्ट के प्रोविजन को कॉन्ट्राविन किया जिससे कि उसकी टैक्स की इवेजन हो रही है। एग्जाम्पल के रूप में उसका एक वेयर हाउस है जो उसने आरसी में शो नहीं कर रखा, अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में शो नहीं कर रखा, लेकिन वहां से माल बेचता है, तो या फिर एक कोई एडिशनल प्लेस है, एडिशनल प्लेस जो नहीं शो कर रखा वहां से माल सेल हो रहा, एडिशनल प्लेस नॉट शोन इन आरसी बट सेल गुड्स फ्रॉम देयर, हाँ नोट कर लिया आपने भी, वहां से माल बेचा करता है और वो शो नहीं कर रखा, तो ऐसा कोई भी प्रोविजन, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसे कोई और एग्जाम्पल बन सकते हैं कि जिससे कि टैक्स इवेजन हो रहा, मतलब ये स्कोप इंस्पेक्शन का बहुत बड़ा है, बस आपके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि जिससे टैक्स इवेड हो रहा हो सकता है हमने सप्लाई कम दिखाई, स्टॉक कम दिखाया, आईटीसी ज्यादा ले लिया, या कोई भी ऐसा कंट्रावेंशन जिससे टैक्स इवेजन हो रहा हो, तो आप इंस्पेक्शन करने आ सकते हैं, तो जेसी और अब किसी को ऑथोराइज कर सकता है, जाके इंस्पेक्शन करो। ध्यान रहे इंस्पेक्शन एक सरप्राइज विजिट है, इसमें गुड्स की पोजीशन नहीं ले सकते वो। अच्छा, ये हमने बात करी टैक्सेबल पर्सन के यहां पे इंस्पेक्शन कब हो सकती है, अब हम बात करते हैं ओनर ऑपरेटर वेयरहाउस और ट्रांसपोर्टर के प्लेस पे कब इंस्पेक्शन हो सकती है, जब उसने कोई गुड्स रखे हुए हैं जिस पे टैक्स एस्केप हो रखा है, या कुछ अकाउंट्स या गुड्स इस तरीके से रखे हुए हैं जिससे कि टैक्स इवेजन हो सकता है, तो ट्रांसपोर्टर ओनर ऑपरेटर वेयरहाउस टैक्स एस्केप कर रहे हैं, ऐसे गुड्स हैं उनके पास में, बिना बिल के माल है उनके पास में, ट्रक खड़ा हुआ था ट्रक वाले के वहां ऑफिस में, ऑफिस के पास उसका ट्रक खड़ा हुआ था जो बिना बिल के माल था, तो इसके पास वो गुड्स थे जिस पे टैक्स एस्केप हो रखा है या टैक्स लाइकली टू इवेड है, तो इनके प्लेस पे भी इंस्पेक्शन हो सकती है, और इनके प्लेस पे इंस्पेक्शन हुई थी। अब इंस्पेक्शन क्या होगी, सर्च में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट, हु विल सर्च एंड सीज आफ्टर इंस्पेक्शन और अदरवाइज, ध्यान दीजिएगा, लिखा हु विल सर्च एंड सीज, सर्च अब होगी, इंस्पेक्शन के बाद अब क्या होगी, सर्च। इंस्पेक्शन किसने करी थी, इंस्पेक्शन ज्वाइंट कमिश्नर या अबव ने अथोराइज किया था ऑफिसर को, सर्च कौन कर सकता है, ये खुद कर सकते हैं या अथोराइज कर सकते हैं किसी को, ठीक है, और लिखा है ये सर्च सीज आफ्टर इंस्पेक्शन हो सकती है, मतलब जो इंस्पेक्शन है वो सर्च में कन्वर्ट हो गई, ये ड्यू टू इंस्पेक्शन हो सकता है, मतलब इंस्पेक्शन सर्च में कन्वर्ट हो गई, तो इट्स के लिए क्या लेके आना पड़ेगा, इसके लिए सर्च वारंट लेकर आना पड़ेगा, इसके लिए सर्च वारंट लाना पड़ेगा, और अदरवाइज, अदरवाइज का क्या मतलब है, जरूरी नहीं है कि इंस्पेक्शन की वजह से ही सर्च हो, अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं टैक्स इवेजन के, उनके पास प्रूफ है उसका, तो ये अदरवाइज भी हो सकता है, अदरवाइज मतलब
बिना इंस्पेक्शन के, विदाउट, ये अदरवाइज का क्या मतलब है? ये अदरवाइज का मतलब है बिना इंस्पेक्शन के सर्च, बिना इंस्पेक्शन के सर्च, बिना इंस्पेक्शन के सर्च, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ था जी सर्च में? सर्च में वो डॉक्यूमेंट बुक्स उन्होंने उठाए थे ना। लेकिन अगर वो जब सर्च कर रहे थे उस दौरान अगर एक्सेस डिनाई हुआ किस चीज का, कोई डोर ओपन करने के लिए, अलमीरा ओपन करने के लिए, कोई रिसेप्टेकल जिसमें गुड्स अकाउंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे रिसेप्टेकल आप ले सकते हैं, संदूक है कोई जिसमें ये कुछ डॉक्यूमेंट बुक्स थिंग्स हैं, इनको अगर एक्सेस डिनाई करता है तो पावर टू सील या ब्रेक या ओपन, तो ये उनको ब्रेक भी कर सकता है, मतलब दया बन जाएगा। दया जानते हो कौन? सीआईडी नाटक देखा कभी? उसका काम ही है दरवाजे तोड़ना। तो यहां दया बन जाएगा और वो उन्हें तोड़फोड़ मचा देगा। हां जी, तो ये सर्च कब हो रही है? जब उसके पास रीजन टू बिलीव आया। ये इंस्पेक्शन की वजह से आ सकता है या अदरवाइज भी आ सकता है कि इसके पास गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन है या डॉक्यूमेंट बुक्स थिंग्स जो यूजफुल हो सकते हैं इस प्रोसीडिंग में। तो अब इस सर्च के दौरान अगर उसे रोका गया तो वो दया बन जाएगा, तोड़फोड़ मचा देगा। अब अगर वो बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, गुड्स सीज किए जा सकते हैं, प्रैक्टिकेबल है, दूसरा प्रैक्टिकेबल नहीं है, अगर बड़ी मशीनरी है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो पहले इस ये वाली बात कर लेते हैं। तो वो क्या करेगा? डिटेन कर लेगा। तो क्या करेगा? डिटेन कर लेगा प्रॉपर ऑफिसर, अथोराइज ऑफिसर, सर्व एन ओनर और कस्टोडियन ऑफ गुड्स एन ऑर्डर दैट ही शैल नॉट रिमूव पार्ट विद और डील विद गुड्स विदाउट हिज परमिशन। वो उसमें बिना इसके परमिशन के डील नहीं करेगा। ये नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज का एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ी मशीन है, बड़ी मशीन है, या कोई WIP है जो आप नहीं उठा के ला सकते, वो मशीन के अंदर ही है, तो मशीन में घुस के थोड़ा जाएगा निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर प्रैक्टिकेबल टू सीज है, अगर प्रैक्टिकेबल टू सीज है, अगर सीज किया जा सकता है, पोजेशन लिया जा सकता है, तो गुड्स को भी सीज कर लेगा, डॉक्यूमेंट बुक्स और थिंग्स को भी सीज कर लेगा। और कब तक रखेगा? जब तक उसे जरूरत है। लेकिन जो रिलाय नहीं किए गए, मतलब जिस ईयर के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ नहीं, जिस ईयर के रिकॉर्ड में गड़बड़ नहीं, गड़बड़ नहीं, तो उन्हें क्या करेगा? रिटर्न कर देगा 30 दिन के अंदर अंदर, नोटिस इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर। ये नोटिस कौन सा इशू करना है? आइए जरा देखें नोटिस। हाँ जी, नेक्स्ट देखें, ये नोटिस की बात करते हैं। हाँ हाँ जी, ये आप कहते हो मेरे को इसकी फोटोकॉपी दे दो, आप बुक्स तो उठा के लेके जा रहे हो, मैं किन से, जिनसे पैसा मांगना वो कैसे मांगूंगा, मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को याद थोड़ना है, ऐसे मुझबानी की किससे क्या लेना है। तो पर्सन कैन टेक फोटोकॉपी एक्सट्रैक्ट ऑफ सीज डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट व्हेन अफेक्ट प्री जुडिशली इन्वेस्टिगेशन। जब उन्हें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन को इफेक्ट करेगा तब वो मना कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को बुरे तरीके से इफेक्ट कर देगा तब वो मना कर सकते हैं, अदरवाइज वो दे देंगे, तो जनरली दे देंगे। अच्छा, अब गुड्स की बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट बुक्स थिंग्स की तो हो गई, अब गुड्स की बात कर लेते हैं। फाइनल रिलीज, प्रोविजनल रिलीज, पहले फाइनल रिलीज की बात कर लेते हैं। अगर नोटिस 6 महीने में नहीं आया, ऑफ सीजर जो ये सीज किया है इसके 6 महीने में नोटिस नहीं भेजा, तो नोटिस नहीं, ये नोटिस 6 महीने में नहीं भेजा तो रिटर्न कर दो गुड्स को। क्या ये 6 महीने, फर्दर 6 महीने के एक्सटेंड हो सकते हैं? हाँ, अगर नोटिस 6 महीने में भेज दिया फिर फर्दर प्रोसीडिंग होगी, मतलब हो सकता है आप दोनों को, सर्च वाली टीम को और असस्सी को, दोनों को बुलाया जाएगा, अपना पक्ष रखो, उसके बाद हो सकता है गुड्स कॉन्फिस्केट हो सकता है लुटा दिया जाए, हो सकता है गुड्स कॉन्फिस्केट हो, कॉन्फिस्केशन में ओनरशिप गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, ठीक है।
अच्छा, तो ये नोटिस 6 महीने में देना है, नहीं दिया तो गुड्स वापस करने पड़ जाएंगे, गुड्स वापस करने पड़ जाएंगे, और दे दिया तो फिर फर्दर प्रोसीडिंग होगी। क्या ये वाले गुड्स आप प्रोविजनली रिलीज करा सकते हैं? जी हाँ, आप इन्हें प्रोविजनली रिलीज करा सकते हैं। उसके लिए क्या देना पड़ेगा? या तो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी दे दो या सिक्योरिटी दे दो, या तो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी दे दो या बॉन्ड प्लस सिक्योरिटी दे दो। वो कोई बैंक गारंटी मांगते हैं, बैंक गारंटी दे दो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अब आते हैं नीचे कुछ 2-3 मिसलेनियस पॉइंट। पहले, सबसे पहले 6712 पढ़िए। 6712, कमिश्नर और अथोराइज ऑफ पर्सन कैन परचेज गुड्स। कमिश्नर खुद या अथोराइज ऑफिसर ये परचेज कर सकता है गुड्स और सर्विस टू चेक इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस किस में होता है? टैक्सेबल गुड्स के केस में। एग्जम सप्लाई के केस में क्या होता है? बिल ऑफ सप्लाई। ये कंपोजिशन वाले क्या इशू करते हैं? बिल ऑफ सप्लाई। ये चेक करने के लिए टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है कि नहीं, देखा था वो यही कर रहा था ना, चेक करने गया था जी। अब ये उसने देखा परचेज किया, उसने टैक्स इनवॉइस इशू किया, और उसका सामान का करेगा क्या? उसको लुटा देगा, ले पकड़ अपने गुड्स, मेरे को पैसे वापस कर दे। तो उसे पैसे वापस करने पड़ेंगे आफ्टर कैंसलिंग इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई। और चेक ही तो करने आया था, और चेक किया तो फिर उसने वापस कर दिया। अच्छा, नाई है, नाई की दुकान पे चेक करना था कि ये इनवॉइस इशू करता कि नहीं करता, शेव कराई, ब्लीचिंग कराई, पैसे पूछे, उसने बिल बना कर दे दिया। अच्छा बंदा था, चोरी कर ही नहीं रहा था, तो अब क्या करे? गुड्स तो वापस कर दिए, सर्विस कैसे वापस करे? नाई को बैठे बोले, तू बैठ, अब मैं तेरी शेविंग करता हूं। वो कह रहा, मेरी तो शेव बनी है। कह रहे, बाल काट देता हूं तेरे, फिर कह रहे, मैं तो गंजा हूं। बोले, कोई बात नहीं, ऊपर से थोड़े थोड़े हटा दे। बोले, गंजा हूं तो कहां से हटाएगा नालायक, सर्विस रिटर्न नहीं हो सकती। गुड्स तो आप रिटर्न कर दोगे और पैसे वापस ले लोगे, लेकिन सर्विस रिटर्न नहीं हो सकती। तो सर्विस के केस में कोई रिफंड की बात नहीं आएगी, तो ऑफिसर को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो सर्विस ले ली उसने। अच्छा, इसके बाद ये 6710 पढ़े पहले। 6710 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई होगा। बस एक डिफरेंस होता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर में सर्व सीज करने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर जब अप्लाई होता है तो जो डाटा इकट्ठा किया जाता है वो मैजिस्ट्रेट को दिया जाता है, या मैजिस्ट्रेट को ना देके जो भी यहाँ पे बुक्स इकट्ठी करी, जो चोरी चकारी वाली थी, वो रिपोर्ट जो है कमिश्नर को दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 6711, बस एक ही छोटा सा पॉइंट। क्या? जब प्रोसीडिंग चल रही थी उस दौरान उसको कुछ बुक्स मंगाने के लिए बोला, वो ले आया, उनमें भी गड़बड़ है, क्या उनको भी रख सकते हैं? जब सर सीज करके चले गए थे, अब नोटिस भेजा, आओ अपना पक्ष रखो, पक्ष रखने आए तो फिर कुछ किताबें ले आए, उन किताबों में गड़बड़ थी, क्या उनको भी सीज किया जा सकता है? जी हाँ, अकाउंट रजिस्टर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड, उसने प्रोड्यूस किए हैं, आप खुद जब प्रोसीडिंग हो रही थी तो उनको भी सीज किया जा सकता है, अगर उन्हें लगता है कि ये जरूरी है और ये इसको जेल में डालने के लिए सहायक होंगे, इसने टैक्स इवेड कर रखा है, तो उन्हें भी रखा जा सकता है जी। अब मेरे पास, एक तो मेरे को सेक्शन 67 रीड कराना है, ठीक है, इनके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी बना के दे रखे हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन भी करा देता हूं। पहले क्या करूं, सेक्शन पढ़ाऊं एक बार शॉर्ट में, फिर से फटाफट समराइज करता हूं, और फिर मैं पहले थोड़ा सेक्शन पढ़ाता हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला बताएंगे फटाफट से, इंस्पेक्शन कौन करेगा? जेसी आबो ऑफिसर या इसका अथॉराइज ऑफिसर? बोलो बोलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अथॉराइज ऑफिसर करेगा। कहां करेगा इंस्पेक्शन? कहां? वेरी गुड, टैक्सेबल पर्सन क्या और ट्रांसपोर्टर के यहां। तीसरा, वेरी गुड, वेयरहाउस, ओके, वेयरहाउस के ओनर ऑपरेटर के यहां इंस्पेक्शन करेगा। ओके, क्या ये इंस्पेक्शन क्यों करेगा? उसके पास क्या होना चाहिए? रीजन टू बिलीव। टैक्सेबल पर्सन के केस में चार चीजें, या तो उसने वैल्यू सप्रेस करके, या स्टॉक सप्रेस करके, या ITC ज्यादा ले रखा है, या एनी अदर कंट्रावेंशन। ट्रांसपोर्टर और ओनर ऑपरेटर वेयरहाउस के केस में 2 चीजें, क्या क्या? अरे वाह, क्या बात है, लिख दिया पहले ही, टैक्स एस्केप कर रखा है, ऐसे गुड्स, ऐसे ट्रक खड़ा हुआ है जिसमें माल है बिना इनवॉइस के, टैक्स एस्केप कर रखा है, या लाइकली टू इवेट टैक्स है। ओके,
क्या ये इंस्पेक्शन सर्च में कन्वर्ट हो सकती है? कब चोरी चकारी मिली तो इंस्पेक्शन सर्च में कन्वर्ट हो जाएगी, इसके लिए सर्च वारंट इश्यू करा के आना पड़ेगा। क्या सर्च सीज सिर्फ इंस्पेक्शन की वजह से हो सकता है या अदरवाइज भी? डायरेक्ट सर्च सीज भी हो सकती है, डायरेक्ट सर्च सीज भी हो सकती है। ओ हेलो, ये सर्च सीज कौन करेगा? क्या अथोराइज ऑफिसर या अथोराइज ऑफिसर भी हो सकता है या जेसी और अबव ऑफिसर भी हो सकता है? जी हाँ, यहाँ पे जेसी और अबव ऑफिसर भी हो सकता है, हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे सर सीज करते समय उसने हाथ पकड़ लिया ऑफिसर का, यहाँ नहीं जाओगे, इस दरवाजे के नजदीक मत चले जाना, तोड़ देंगे उस दरवाजे को, दया बन जाएंगे। उस संदूक को खोलने से मना कर रहा था, कह रहा है सांप है इसमें, बोले हम देख लेंगे कौन से सांप है, तो खुद उस संदूक को खोल लेंगे जी, या उसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास रीजन टू बिलीव था कि कुछ लायबिलिटी कॉन्फिस्केशन या डॉक्यूमेंट बुक्स यहां पे ऐसी हैं जो चोरी चकारी में इन्वॉल्व है, तो हम आ जाएंगे गुड्स बुक्स सीज करने के लिए। तो अब इस सर्च में सी यहां पर क्या था, इंस्पेक्शन में आप बुक्स नहीं उठा सकते थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं उठा सकते, लेकिन सर्च में तो उठा सकते हो, उठा लो जी गुड्स भी डॉक्यूमेंट्स भी। नहीं पॉसिबल है उसको सीज करना, डिटेन कर दो, उनको डील नहीं करेगा हमारी बिना परमिशन के। अच्छा, पॉसिबल था तो गुड्स भी सीज कर दिया, डॉक्यूमेंट भी सीज कर दिया, डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी मांगता है दे देंगे, जो डॉक्यूमेंट हमारे काम के नहीं है लौटा देंगे नोटिस इशू करने के 30 दिन में। नोटिस कैसे इशू करना है, गुड्स सीज करते ही 6 महीने में नोटिस भेजना है, नहीं भेजा तो वापस करो, भेज दिया तो फिर फर्दर प्रोसीडिंग होगी। क्या प्रोविजनल रिलीज करा सकते हो? हाँ, क्या दो, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी दे दो या बोन प्लस सिक्योरिटी दे दो। नेक्स्ट, ये गुड्स सीज के क्या वो पेरिशेबल है तो भेज देंगे, भेज देंगे जी। वो चेक करने आया था कि गुड्स ये चोरी चकारी में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो परचेज किया था उसने गुड्स, इनवॉइस बना दिया आपने, वो कहता है मेरे को पैसे वापस करो, तो कैंसिल करके वापस कर दो जी, लेकिन सर्विस के केस में ऐसा नहीं होगा। रिपोर्ट किसको, कमिश्नर को देनी है सर सीजर की बाद में, और कोई बुक्स डॉक्यूमेंट सीजर के दौरान अगर उसने प्रोड्यूस करे तो उनको भी क्या कर सकते हैं, हम उनको भी हम सीज कर सकते हैं। तो आइए पेज नंबर 5 पर, मैं इनके मीनिंग डिफरेंस अभी लिखवाऊंगा, आओ फटाफट से एक बार पेज नंबर 5 पर जल्दी से, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन भी करने हैं हमें अभी। पेज नंबर 5 पर सेक्शन 67 शुरू हो रहा है जी, यहां पर बीच में मैंने अभी 4 पेज छोड़े हैं, उसमें कुछ है वो बाद में कराऊंगा। हां जी, पढ़े 67(1). वेयर द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेसी हैज रीजन टू बिलीव, मतलब नोट जिसका कम से कम रैंक जेसी का हो और उसके पास रीजन टू बिलीव हो, मतलब जेसी कम से कम, इसका मतलब एंड अबव भी हो सकता है, यहां से हमारा ये निकल के आया। अभी ए पॉइंट छोड़ो, बी पॉइंट छोड़ो, यहां बी पॉइंट के बाद पढ़ो, जेसी एंड अबव के बाद यहां बी पॉइंट के बाद पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ये खुद नहीं, ये अथोराइज करेगा एनी अदर ऑफिसर को कि तू इंस्पेक्शन जाके कर उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पर। किसके प्लेस ऑफ बिजनेस पर, टैक्सेबल पर्सन भी हो सकता है या ट्रांसपोर्टर चोरी चकारी में इन्वॉल्व है या ओनर ऑपरेटर। तो देखो क्या लिखता है, किसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे जा, टैक्सेबल पर्सन अगर चोरी चकारी में इन्वॉल्व है उसके प्लेस पे जा, या ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व है तो ट्रांसपोर्टर के प्लेस पे जा, या साथ में ओनर ऑपरेटर वेयरहाउस इन्वॉल्व है तो उसके प्लेस पे जाके इंस्पेक्शन कर, ये गोडाउन या एनी अदर प्लेस। एनी अदर प्लेस में घर भी आ सकता है क्या? जी हाँ, वो भी आ सकता है, वो भी आ सकता है जी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद टैक्सेबल पर्सन के प्लेस पर, टैक्सेबल पर्सन के प्लेस पर कब इंस्पेक्शन होगी, जब रीजन टू बिलीव हो। किस चीज का, कि उसने सप्रेस कर रखा है सप्लाई को, सप्रेस एनी ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू सप्लाई, सप्लाई की ट्रांजेक्शन को सप्रेस कर रखा है
मतलब नहीं दिखाई, एग्जाम्पल वैल्यू कम दिखाई, पहला वैल्यू कम दिखाई। दूसरा स्टॉक को सप्रेस कर रखा है, स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, दूसरा स्टॉक को सप्रेस कर रखा है, स्टॉक कम दिखाया। तीसरा आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया, फेक बिल पर क्रेडिट ले लिया। फेक बिल पर क्रेडिट ले लिया। या चौथा कह रहे एंडल है और हैज एंडल्स इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जिससे कि टैक्स इवेड हो रहा हो, टू इवेड टैक्स। या फिर उसने चौथा, फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ का कोई भी ऐसा, हमने बोला आरसी में एडिशनल प्लेस नहीं दिखाया जहां से गुड्स सेल करा, आरसी में एडिशनल प्लेस नहीं दिखाया जहां से गुड्स सेल, जहां से गुड्स सेल। तो ये हो गए टैक्सेबल पर्सन के लिए। अब जरा आए ट्रांसपोर्टर की बात करते हैं, ओनर ऑपरेटर वेयरहाउस की बात करते हैं। इन्होंने दो दो चीजें, या तो गुड्स ऐसे हैं जिन पे टैक्स एस्केप कर रखा है, उन गुड्स को कीप कर रखा है, कीपिंग गुड्स विच हैज एस्केप पेमेंट ऑफ टैक्स। एग्जाम्पल ट्रक ट्रांसपोर्टर के प्लेस पे खड़ा बिना इनवाइस के, विदाउट इनवाइस एक ट्रक में माल खड़ा, विदाउट इनवाइस ट्रक में सामान, ट्रक में गुड्स। या केप्ट द अकाउंट और गुड्स इन सच ए मैनर, अकाउंट्स ऐसे मेंटेन कर रखें कि जिससे कि लगता है कि टैक्स इवेड हो सकता है, टैक्स इवेड हो सकता है। सवाल ये है कि ये टैक्सेबल पर्सन के प्लेस पे इंस्पेक्शन करने आए या ट्रांसपोर्टर ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस के यहां पे इंस्पेक्शन करने आए, क्या इसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए? रीजन टू बिलीव नहीं है तो वो सेक्शन 67 नहीं लग सकता। रीजन टू बिलीव होना चाहिए। ये रीजन टू बिलीव एग्जाम्पल हमने किया था कि डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय या रिलेटिव ने आपके कोई शिकायत कर दी, कोई प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि यहां गड़बड़ हो रही है। एक एग्जाम्पल है। अगर ये रीजन टू बिलीव नहीं है तो सेक्शन 67 नहीं लग सकता। आजकल मैं अब इसके साथ कनेक्ट करके सेक्शन 71 पढ़ाऊंगा। आजकल ऑफिसर प्रैक्टिकली सेक्शन 67 की जगह 71 लगा रहे हैं। वहां रीजन टू बिलीव नहीं चाहिए, वहां आपकी प्रिमाइसिस पे एक्सेस हो सकता है बिना रीजन टू बिलीव के। वो सर्च के लिए नहीं है, लेकिन वो उसे सर्च के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसलिए कई कोर्ट में रिट इसके अगेंस्ट में लगी हुई है, कोर्ट में कई अपील लगी हुई है, रिट लगी हुई है। इसी वजह से सेक्शन 71 वो यूज कर रहे हैं, उनके पास रीजन टू बिलीव नहीं है, वो 71 यूज कर रहे हैं। सेक्शन 71 में रीजन टू बिलीव नहीं चाहिए, वो आपकी प्रिमाइसिस पे आ सकता है। तो इसके बाद मैं 71 भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? तो यहां रीजन टू बिलीव चाहिए, ये ध्यान रखना। 67 में बिना रीजन टू बिलीव ऑफिसर नहीं आ सकता, ठीक है? तो यहां पर कौन आया? जेसी अब ऑफिसर नहीं आया, इसने अथोराइज किया था किसी ऑफिसर को, वो आया यहां पर, ठीक है? वो आया यहां पर। अब आगे देखेंगे 67-2, 67-2 वेयर द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर, आइदर पर्सुएंट टू एन इंस्पेक्शन। क्या मतलब? इंस्पेक्शन सर्च में कन्वर्ट हो गई, इंस्पेक्शन सर्च में कन्वर्ट। हाँ जी, ऊपर नोट कर लिया था ना, ये ऊपर नोट हो गया ना। हो गया था नोट ऊपर?
हाँ जी हो गया। अच्छा इंस्पेक्शन सर्च में करोड़ और कैरिड आउट सबसेक्शन और अदरवाइज या बिना इंस्पेक्शन के भी सर्च हो सकती है क्या? जी हाँ, विदाउट इंस्पेक्शन भी सर्च, विदाउट इंस्पेक्शन सर्च। लेकिन ये सर्च कब हो सकती है? जब इसके पास यहां सर्च भी रीजन टू बिलीव हो। इंस्पेक्शन में भी रीजन टू बिलीव की बात करी थी, यहां भी रीजन टू बिलीव है कि गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन है। भाई इंस्पेक्शन से रीजन टू बिलीव आ ही गया था। अदरवाइज अगर आप यहां पे डायरेक्टली सर्च करना चाहते हैं तो भी रीजन टू बिलीव होना चाहिए। आपके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि इसके पास गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन है या डॉक्यूमेंट बुक्स और थिंग्स विच इन हिज ओपिनियन शैल बी यूजफुल और रेलेवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट आर सीक्रेटेड इन एनी प्लेस। या आपके पास कहीं से इंफॉर्मेशन आई है कि इसके यहां पे इसने कुछ ऐसी बुक्स रखी हुई है तो ही मे ऑथोराइज इन राइटिंग एनी अदर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स टू सर्च एंड सीज और मे हिमसेल्फ सर्च एंड सीज। ध्यान से देखिएगा, इंस्पेक्शन के लिए ऑथोराइज कर रहा था, खुद नहीं आ रहा था, उसे लगता था इंस्पेक्शन तो सरप्राइज विजिट है, इसमें मैं अपना टाइम क्या खराब करूंगा। लेकिन यहां पर ही मे ऑथोराइज इन राइटिंग, ऑथोराइज कर रहा है इन एनी राइटिंग एनी अदर ऑफिसर को, ऑथोराइज ऑफिसर सर्च करने आ रहा है या सर्च एंड सीज और हिमसेल्फ सर्च एंड सीज, वो खुद भी आ सकता है। कौन? जेसी, नॉट जेसी अब ऑफिसर, जो ऊपर हमने देखा नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेसी, तो जेसी खुद भी आ सकता या ये ऑथराइज ऑफिसर भी सर्च सीज करने के लिए आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहां पर भी ये जो ज्वाइंट कमिश्नर है ये खुद भी आ सकता है या ये ऑथराइज भी कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट। वेयर इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज एनी सच गुड्स, अगर कोई मशीन बहुत बड़ी है उसको सीज करना पॉसिबल नहीं है। नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज सच गुड्स, एग्जाम्पल यान मशीनरी, धागे वाली वो जो मशीन थी, वेरी लार्ज, या WIP इन मशीन। द प्रॉपर ऑफिसर और ऑथराइज ऑफिसर मे सर्व ऑन द ओनर और कस्टोडियन ऑफ गुड्स एन ऑर्डर, वो एक ऑर्डर पास करेगा कि तुम इन गुड्स में डील नहीं करोगे। ही शेल नॉट रिमूव पार्ट विद और अदरवाइज डील विद गुड्स एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ सच ऑफिसर, वो उन गुड्स में डील नहीं करेगा बिना उसके परमिशन के, बिना उसके परमिशन के। हाँ जी, जब इसने यहां पर यह लिखा था ऊपर कि ये इसे ऑथराइज करेगा इन राइटिंग, इसका मतलब क्या था? क्या उसे सर्च वारंट दिया जा रहा था? इसका मतलब जेसी कैन इश्यू सर्च वारंट, इश्यूड सर्च वारंट, जिसको वहां पर दिखाएगा जाके कि मैं सर्च करने आया हूं, अब मैं यहां पे बुक्स गुड्स सीज कर सकता हूं। ठीक है, आगे देखेंगे। कितने समय तक वो बुक्स डॉक्यूमेंट थिंग्स रख सकता है? पढ़ेंगे, प्रोवाइडेड फर्दर द डॉक्यूमेंट बुक्स और थिंग्स सो सीज शैल बी रिटेन्ड बाय सच ऑफिसर ओनली फॉर सो लॉन्ग एज मे बी नेसेसरी। अपनी मर्जी जितने समय तक रखे, जब तक वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग के लिए चाहिए तब तक वो रख सकता है, और अगर वो उसके लिए नहीं चाहिए तो नॉट रिलाइड अपॉन तो वापस कर देगा। तो डॉक्यूमेंट बुक्स और थिंग्स रेफर्ड इन सबसेक्शन 2 और एनी अदर डॉक्यूमेंट बुक्स और थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय टैक्सेबल पर्सन व्हिच हैव नॉट बीन रिलाइड अपॉन फॉर द इश्यू ऑफ नोटिस, मतलब जो जिस ईयर में गड़बड़ नहीं थी तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा? रिटर्न कर दिया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ Not exceeding 30 days. अगर उसने कोई अलमारी खोलने से मना किया, कोई रिसेप्टेकल
जो कोई संदूक खोलने से मना किया तो वो क्या करेगा, उसको तोड़ देगा, खोल देगा उसको। द ऑफिसर अथोराइज शेल हैव द पावर टू सील और ब्रेक ओपन द डोर ऑफ एनी प्रिमाइसेस, टू ब्रेक ओपन एनी अलमीरा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बॉक्स, रिसेप्टिकल जिसमें गुड्स, अकाउंट्स, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट्स सस्पेक्टेड टू कंसील्ड हैं। कोई संदूक है जिसमें उसने अलग से अपनी बंदियां रखी हुई हैं। बंदियां मतलब वो बुक्स को बोलते हैं, कहीं और कुछ गलत समझ लो, उसको बोलते हैं बुक्स को जो रेड कलर से ऊपर से कवर चढ़ा रखा होता है। तो संदूक में ये सामान रखा हुआ है तो उनको वो सीज करना चाहता है, उससे लगता है कि इसमें भी गड़बड़ हो सकती है तो उसको खोलने से मना कर रहा, तो उसको ब्रेक कर सकता है। नेक्स्ट, आप फोटोकॉपी मांगते हो तो क्या ले सकते हो, द पर्सन फ्रॉम होम कस्टडी एनी डॉक्यूमेंट्स आर सीज्ड अंडर सबसेक्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में, शेल बी एंटाइटल्ड टू मेक कॉपीज देयर ऑफ और टेक एक्सट्रैक्ट्स देयर फ्रॉम इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑथराइज्ड ऑफिसर एट सच प्लेस एंड टाइम एज सच ऑफिसर में इंडिकेट, एक्सेप्ट इस केस में नहीं देंगे उसकी फोटोकॉपी, उसके एक्सट्रैक्ट, अगर ऑफिसर को लगता है ये इन्वेस्टिगेशन को बुरे तरीके से इफेक्ट कर देगा। नेक्स्ट, हाँ जी क्या कह रहे हो, खुद पढ़ लोगे? अरे क्या बात कर रहे हो, चलो फिर एक काम करना, ये वाले पॉइंट्स आप खुद रीड करके आना, मैं इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है? ये वाले पॉइंट्स आपके चार्ट वाले सारे आप एक बार खुद रीड करना, रीड करके आना, कल हम फिर इसे डिस्कस करेंगे। आओ जरा ये क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो ये क्वेश्चन, देखो पेज नंबर 17.7, देखें जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। पढ़िया जी, क्या कह रहा है, ज्वाइंट कमिश्नर के पास रीजन टू बिलीव है फ्रॉम इंफॉर्मेशन ऑफ डिसग्रंटेड एम्प्लॉय या फैमिली मेंबर से कोई शिकायत आई थी कि मिस्टर ए दैट ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाइड विदाउट इनवाइस, बिना इनवाइस के माल सप्रेस करा सप्लाई को थ्रू ट्रांसपोर्टर मेसर्स XYZ, ये ट्रांसपोर्टर भी साथ में मिला हुआ है, अनरजिस्टर्ड है ये भी, इसके अलावा इसका स्टॉक पड़ा हुआ है एक इको के यहां पर जिस पर टैक्स नहीं पे हो रखा है और ना ही इसने उसे अपना एडिशनल प्लेस दिखा रखा है। तीसरा, इसने ITC ले रखा है बिना गुड्स रिसीव किए हुए, फेक बिल के बेसिस पर इसने क्रेडिट ले रखा है और ये अमाउंट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या मिस्टर ए के बिजनेस प्लेस पर इंस्पेक्शन की जा सकती है? आंसर इज यस। क्या ट्रांसपोर्टर के प्लेस पर इंस्पेक्शन की जा सकती है? हाँ जी, मिस्टर ए के प्लेस ऑफ बिजनेस पर इंस्पेक्शन करने के लिए क्या जरूरी था? मिस्टर ए के प्लेस ऑफ बिजनेस पर इंस्पेक्शन करने के लिए जरूरी था या तो उसने सप्लाई सप्रेस करी हो या स्टॉक सप्रेस किया हो या ITC ज्यादा लिया हो। इसने सप्लाई तो सप्रेस कर ही रखी है और ये ITC भी ज्यादा ले रखा है। वहां था चार चीजें, सप्लाई सप्रेस हो, स्टॉक सप्रेस हो, ITC ज्यादा ले रखा हो, या चौथा क्या था, कोई भी कंट्रावेंशन जिससे टैक्स इवेड हो रहा हो। तो ये पहला और तीसरा ये अपराध इसका है तो इसके प्लेस ऑफ बिजनेस पर इंस्पेक्शन हो सकती है। अच्छा, ट्रांसपोर्टर के प्लेस पे ये साथ में मिला हुआ है तो इसके पास भी बिना बिल वाला माल पड़ा, माल है इसके पास, ट्रक खड़ा, तो इसके प्लेस पे भी इंस्पेक्शन हो सकती है। वेयरहाउस गोडाउन वाला भी साथ में मिला हुआ है, इसके प्लेस पे भी इंस्पेक्शन हो सकती है। तो पूछा क्या मिस्टर ए के रेजिडेंस पे भी इंस्पेक्शन हो सकती है, वहां पर वर्ड था कि वो इंस्पेक्शन कहां कहां हो सकती है, इन तीन के और एनी अदर प्लेस लिखा था, तो एनी अदर प्लेस में इसका रेजिडेंस भी आ सकता है। ठीक है, आंसर लिखा हुआ है, पढ़ लेना, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू इंस्पेक्शन मेड बाय ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय JC प्रॉपर ऑफिसर, इंस्पेक्शन की वजह से, इंस्पेक्शन की वजह से इसने ऑफिसर को ऑथराइज किया है, प्रॉपर ऑफिस ऑफिसर ऑथराइज जो ज्वाइंट कमिश्नर, इसने इंस्पेक्शन करी थी इस वजह से पता लगा तो प्रॉपर ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव आ गया कि गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन है या डॉक्यूमेंट सीक्रेट कर रखे हैं
एट द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ मिस्टर ए बुक्स उठा के अपने घर में ले गया है, वहां संदूक रखी हुई है जिसमें वो बुक्स सब कुछ हैं। व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्च एंड सीजर? क्या प्रोविजंस आर रिलेटेड टू सर्च एंड सीजर? तो क्या सर्च ऑर्डर, यहां पर सर्च वारंट इशू किया जाएगा? जी हाँ, मिस्टर ए के घर पर जाके सर्च करो। अब जो गुड्स, डॉक्यूमेंट, बुक्स वहां पर मिलेंगे उनको सीज कर दिया जाएगा। अगर कोई सीजर पॉसिबल नहीं है, वहां पे बड़ी मशीनरी रखी हुई है, तो उसको फिर उसको ऑर्डर पास कर देंगे, तुम इनको डील नहीं करोगे। डॉक्यूमेंट, बुक्स तब तक अपने पास रखे जाएंगे जब तक हमें जरूरी है, लेकिन जो हमारे काम के नहीं है, जिसमें गड़बड़ नहीं है, वो लौटा देंगे नोटिस इशू करने के 30 दिन में। अब हमारे पास कई सारे क्वेश्चन हैं, एक एक करके इन सब के आपको रिप्लाई करने हैं। देखते हैं आपने क्या समझा, आंसर मत देखना, ठीक है? सबसे पहले फटाफट से आएंगे। पहला, अगर प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑफ इविजन ऑफ टैक्स, अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है टैक्स इविजन का, क्या सर सीजर हो सकती है? अब इंस्पेक्शन वाला नहीं बोल रहा, डायरेक्ट सर सीजर करना चाहता है। ड्यू टू इंस्पेक्शन वाली तो सर सीजर ऊपर हो गई, यहां पे क्या चल रहा है? मेरे पास रीजन टू बिलीव है, मैं बिना इंस्पेक्शन के, मेरे पास इंस्पेक्शन से रीजन टू बिलीव नहीं आया, वैसे ही मेरे पास रीजन टू बिलीव है टैक्स इवेजन का, हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, तो क्या सर सीजर हो सकता है? जी हाँ, सर सीजर हो सकता है। नेक्स्ट, इफ द डॉक्यूमेंट, बुक्स ऑफ मिस्टर ए आर नॉट रिलाइड, क्या उनको भी इनडेफिनेटली रख सकते हैं? जिनमें कोई गड़बड़ नहीं है, उनको अब उसके बेसिस पे कोई इंस्पेक्शन सर्च कुछ होना नहीं, क्या उनको लौटा दिया जाए? जी हाँ, कितने समय में? नोटिस इश्यू करने के 30 दिन में। नेक्स्ट, अगर कोई अलमीरा का एक्सेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बॉक्स, रिसेप्टिकल, कोई संदूक का एक्सेस डिनाई किया जाता है, तो क्या एक्शन लिया जा सकता है ऑफिसर के द्वारा? क्या करेंगे? बोलो। हम दया बन जाएंगे, दरवाजा तोड़ देंगे, उस संदूक को तोड़ देंगे और निकालेंगे उसमें है क्या। ठीक है जी, अरे क्या कह रहे हो, अभी से 2 लाइनें सुनाने की बात कर रहे हो? पढ़ तो लो, अभी क्वेश्चन तो कर लो। चलो 2 लाइनें पहले सुना ही देता हूं, फिर क्वेश्चन पढ़ लेना। मैं उन्हें भूल तो जाता मगर वो याद आने के सारे हुनर रखते हैं। हाँ जी, अब पढ़े आगे क्वेश्चन। कह रहे एक और सुना दो। सुनो जी, एक और सुन लो फिर पढ़ना। उसके ख्याल से इतनी खूबसूरत है दुनिया, उसके ख्याल मात्र से ही अगर इतनी खूबसूरत है दुनिया, तो वो साथ होगा तो फिर क्या बात होगी। हाँ जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या मिस्टर ए, आ जाओ फटाफट से वापस, क्या मिस्टर ए फोटोकॉपी एक्सट्रैक्ट ले सकता है जो बुक सीज कराई है? हाँ, ले सकता है, लेकिन एक केस में नहीं। अगर ऑफिसर को लगता हो कि इसकी बुक्स वापस फोटोकॉपी ले लेने से हमारी सर्च पर, हमारी इंक्वायरी पे प्रीजुडिशली अफेक्ट होगा। नेक्स्ट, क्या ए प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट पेनल्टी, क्या वो रिक्वेस्ट कर सकता है? हाँ, फिर बॉन्ड और सिक्योरिटी दे, या तो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी दे या फिर बॉन्ड और सिक्योरिटी दे, कुछ तो करे, है ना। नेक्स्ट, वेदर नोटिस टू बी गिवन फॉर सीजर, हां, सर्च करने के बाद 6 महीने के अंदर नोटिस भेजना है, ना दिया 6 महीने में नोटिस, तो कह रहे नोटिस इशू कर दिया था 6 महीने में लेकिन रिसीव नहीं हुआ। ओ माई गॉड, रिसीव 6 महीने बाद हुआ, रिसीव हो जाना चाहिए भाई 6 महीने में, इशू से मतलब नहीं है, वो कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। कम्युनिकेट नहीं हुआ, गुड्स वापस लौटाने पड़ जाएंगे, तो ये ऑफिसर को बड़े ध्यान से देखना है। हाँ, 2 या 6 महीने की एक्सटेंशन हो सकती है, लेकिन वो जेन्युइन केस में होती है, हर केस में नहीं। अगर गुड्स पेरिशेबल हजार्डस नेचर के हैं, तो वो क्या करेगा? या आप अगले पॉइंट्स में पढ़ोगे ना, वहां सेक्शन में वहां दिया हुआ है, सेल कर देगा, डिस्पोज कर देगा। नेक्स्ट, वेदर रिकॉर्ड कलेक्टेड ड्यूरिंग द सर्च इज सेंट टू नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर,
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सारे प्रोविजन लगते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है, जो रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए, ये कहाँ देने होते हैं? मजिस्ट्रेट को नहीं, कमिश्नर को, क्योंकि हमें ही सब कुछ निकालना है. नेक्स्ट, प्रॉपर ऑफिसर फाउंड आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बाय मिस्टर ए. हेलो हेलो हेलो, हम नहीं उठा के आए. जब जब सर्च की सुनवाई कर रहे थे उस दौरान मिस्टर ए कुछ बुक्स लेके आया और उनमें हमें टैक्स इवेजन पता लगा. क्या इनको भी सीज कर सकते हैं क्या? एक तो हम खुद उठा के लाए थे, अब सर्च की प्रोसीडिंग चल रही थी, सर्च की प्रोसीडिंग के दौरान वो खुद उठा के लाया था और हमें उसमें गड़बड़ मिली, टैक्स इवेजन मिल गया. क्या करें, उसकी गर्दन पकड़ के निचोड़ दें या फिर ये वाले जो बुक्स हैं इन्हें सीज कर ले? ये सीज कर लेंगे. नेक्स्ट, कैलकुलेटर परचेज किया फ्रॉम मिस्टर ए ऑन टैक्स इनवॉइस एंड बुक्स परचेज ऑन बिल ऑफ सप्लाई. प्रॉपर ऑफिसर ने कैलकुलेटर परचेज किया, उसने टैक्स इनवॉइस दिया, बुक्स परचेज करी उसी की दुकान से, मिस्टर ए की दुकान से, उसने बिल ऑफ सप्लाई दिया. अब ये कैलकुलेटर वो बुक्स वापस कर देता है, क्योंकि आपने टैक्स इनवॉइस दिया, बिल ऑफ सप्लाई दिया है, उनको इन्फॉर्मेशन लगी थी कि शायद आप चोरी चकारी में इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप तो अच्छे बंदे निकले, तो अच्छे बंदे हो तो पैसे भी वापस कर दो ना. अब वो कैलकुलेटर बुक्स रिटर्न कर देता है, क्या मिस्टर ए को रिफंड करना पड़ेगा सारा अमाउंट? जी हाँ. लेकिन अगर सर्विस ली थी मिस्टर ए से ये चेक करने के लिए वो टैक्स इनवॉइस इशू करता है कि नहीं, आपने इनवॉइस इशू कर दिया, अब वो चाहता रिफंड, अब रिफंड हो सकता है? सर्विस वापस कैसे दे? ब्यूटी पार्लर की उसके गंजे बाल पे वो क्या वहां पे तेल लगाने खड़ा होगा? नहीं. तो यहां डिपार्टमेंट को इस केस में रिफंड नहीं, 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 कभी नहीं मिलेगा. हाँ जी, आ गया समझ में अब आपको? जी, एक दो क्वेश्चन बैंक के देख लेंगे अब हम, आप फटाफट से आएंगे. पहला क्वेश्चन है इंस्पेक्शन, पेज नंबर 17.1. क्वेश्चन बैंक में आ जाइए जी. क्वेश्चन बैंक पहले मैं आपको दिखा रहा हूं आईसीआई के क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन बैंक में क्या है, आईसीआई के क्वेश्चन अलग हैं, हमारे एडिशनल क्वेश्चन अलग हैं. तो ईवे बिल पे मैंने बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन दे रखे हैं जो हम कल करेंगे. पहला है इंस्पेक्शन सर्च और सीजर में क्या फर्क है, मेरे को अभी लिखवाना है इसके बारे में आपको डिफरेंस. ठीक है, अभी तो हो सकता है आपको याद हो लेकिन कुछ दिन बाद भूल गए, तो लिखा हुआ होगा ना वो याद रहेगा फिर आपको, तो अभी मैं लिखवा दूंगा इसमें डिफरेंस थोड़ा हिंदी में. ठीक है, इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर वर्जन है, इसमें ऑफिसर आपके यहां पे एक सरप्राइज विजिट करता है. किस किस के प्लेस पे आ सकता है? टैक्सेबल पर्सन के यहां पे, ट्रांसपोर्टर के यहां पे, ओनर ऑपरेटर वेयरहाउस के यहां पे. लेकिन सर्च में क्या होता है, ये थोड़ा सा उससे स्ट्रिक्टर वर्जन है. इस सर्च के दौरान ही आपकी बुक्स या डॉक्यूमेंट को सीज किया जाता है या गुड्स को सीज किया जाता है. ठीक है, तो अब इसका मीनिंग मैं लिखवाऊंगा आपको. क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बताओ, बिना आंसर पढ़े बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से लिखो. बताओ बताओ, हु कैन ऑर्डर फॉर कैरिंग आउट, कौन इंस्पेक्शन, सर्च का नहीं पूछा, इंस्पेक्शन का पूछा, कौन ऑर्डर करता है? क्या जेसीओ इंस्पेक्शन करने आता है या ये अथोराइज करता है? ये अथोराइज करता है. और फिर पूछा किन सर्कमस्टेंसेस में इंस्पेक्शन होगी, अगर 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 ये किस और किस किस के प्लेस पे इंस्पेक्शन होगी वो भी बताना है. कैन प्रीमाइसेस बी इंस्पेक्टेड बाय सीजीएसटी ऑफिसर? जी हाँ, टैक्सेबल पर्सन के केस में चार केसेस में इंस्पेक्शन हो सकती है. बोलो बोलो क्या 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 क्या, टैक्सेबल पर्सन के प्लेस में चार केसेस में इंस्पेक्शन हो सकती है. पहला, सप्लाई सप्रेस करी, स्टॉक सप्रेस किया, आईटीसी ज्यादा ले लिया, एनी अदर कंट्रावेंशन टू इवेट टैक्स. ट्रांसपोर्टर के यहां पे दो केसेस में इंस्पेक्शन हो सकती है, जब उसने टैक्स एस्केप किया है या अकाउंट गुड्स ऐसे रखे हैं जिससे टैक्स इवेजन हो सकता है. सेम वे ओनर ऑपरेटर के लिए, उसने टैक्स एस्केप किया है या अकाउंट गुड्स ऐसे रखें जिससे टैक्स इवेजन हो सकता है. नेक्स्ट,
विच आर द प्लेस ऑफ बिजनेस या प्रीमाइसेस विच कैन बी इंस्पेक्टेड बाय सीजीएसटी ऑफिसर, कौन से प्लेस ऑफ बिजनेस इंस्पेक्ट हो सकते हैं, वही टैक्सेबल पर्सन का, ट्रांसपोर्टर का, वेयरहाउस गोडाउन का, या एनी अदर प्लेस में रेजिडेंस भी आ जाता है। नेक्स्ट, सर सीजर का ऑर्डर कौन दे सकता है, यहां तो जेसी या उसका वो ऑफिसर खुद भी, या वो अथोराइज भी कर सकता है ऑफिसर को ये सर सीज करने के लिए, है ना। नेक्स्ट, क्या पावर्स होंगी ड्यूरिंग वैलिड सर्च, क्या क्या करोगे वहां पर भाई, डॉक्यूमेंट बुक्स थिंग्स उठा लेंगे, गुड्स भी उठा लोगे, अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है उन्हें सीज करना तो आप उनको डिटेन कर दोगे, वो फोटोकॉपी मांगेगा तो उसे फोटोकॉपी लेने देंगे, अगर कोई रोका जाता है कोई ओपन करने के लिए डोर वो तो दया बन जाएंगे, यहां पे ही कैन ब्रेक एनी ओपन डोर, अगर वो रोकते हैं उसे तो एक्सेस डिनाई किया जाता तो अच्छा। फिर इसके बाद ही कैन ऑल्सो सील द प्रीमाइसेस इफ द एक्सेस इज डिनाइड, कब तक बुक्स रखेंगे, जब तक हमें जरूरी है, लेकिन जो रिलाय नहीं किए गए वो वापस कर देंगे। ओ सर वो सिर्फ वही चार्ट चार्ट पढ़ ले उसी से ही हमारे क्वेश्चन भी लिखे जाएंगे, बिल्कुल, इस बुक में दिए हुए चार्ट सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब हम सिर्फ सिर्फ चार्ट ही पढ़ ले उसके बाद क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाए होंगे, क्योंकि वो ऐसे चार्ट हैं कि हमें मेन मैटर फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने ये जीएसटी समरी बुक सेपरेट ही तो बनाई है इन्हीं चार्ट को अलग करके, इस मेन बुक से, मेन बुक से यही चार्ट ही मैंने अलग किए हैं, हल्का फुल्का एक आधा पेज और ऐड कर दिया है आपकी सुविधा के लिए, कुछ चैप्टर्स में कुछ दो चार पेज और ऐड किए हैं ताकि मस्त लगे, बस वही पढ़ो 100-150 पेज एंड में उसी से ही बात बन जाए। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा अब समन वोमन की बात आ गई, अभी तो ये हमने किया नहीं, अब हम आते हैं आगे। पहले मैं आपको इंस्पेक्शन सर्च और सीजर में डिफरेंस लिखवा दूं, कहां, हाँ जी, आपके पास पेज नंबर 17.1 की लेफ्ट साइड पूरी ब्लैंक है, पेज नंबर 17.1 की लेफ्ट साइड बिल्कुल पूरी ब्लैंक है, वहां लिख सकते हैं, या पेज नंबर 17.2 पर नीचे स्पेस है यहां लिख सकते हैं, मेरे पास 17.1 यहां पे ब्लैंक साइड लेफ्ट है नहीं तो मैं यहां लिख रहा हूं, आपकी मर्जी, आप कहीं भी लिखें। टू पे कम स्पेस है तो 17.3 पर भी है, 17.3 पर ज्यादा स्पेस है वहां यूज कर लीजिए, पेज नंबर 17.3 यहां ज्यादा स्पेस है इसे यूज करते हैं। मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं डिफरेंस, इंस्पेक्शन क्या होती है, फिर हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर सर्च क्या होता है, सर्च में ज्यादा जरूरत नहीं, ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे सीजर में जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, और फिर कॉन्फिस्केशन क्या होता है, तो लिखना शुरू करेंगे इंस्पेक्शन। ये इंस्पेक्शन तभी हो सकती है जब रीजन टू बिलीव हो, रीजन टू बिलीव किस चीज का, टैक्स इवेजन का, टैक्स इवेजन का, ये जस्ट एक सरप्राइज विजिट है, तो यहां पर आप जो गड़बड़ मिली तो क्या ये डॉक्यूमेंट बुक्स आप सीज कर सकते हैं, ना 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 ना, ये ध्यान रखेंगे, यहां पर आप डॉक्यूमेंट बुक्स कैन नॉट बी सीज्ड, कैन नॉट बी सीज्ड। तो वो करने हो तो क्या करें, उसके लिए इस इंस्पेक्शन के बेस पर आप क्या करो, इस इंस्पेक्शन को सर्च में कन्वर्ट करा लो, इंस्पेक्शन सर्च में कन्वर्ट हो गई, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, अब ऑफिसर को सर्च वारंट लेकर आना होगा, अब ऑफिसर को क्या करना होगा, सर्च वारंट रिक्वायर्ड, ये सर्च करने के लिए सर्च
वारंट रिक्वायर्ड। तो अब इस सर्च के दौरान क्या होगा, ड्यूरिंग सर्च डॉक्यूमेंट बुक्स गुड्स कैन बी सीज्ड। और अगर कोई अलमीरा है उसमें उसका एक्सेस डिनाई किया जाता तो अलमीरा ब्रेक इफ एक्सेस डिनाइड, अलमीरा को ब्रेक कर दो, ब्रेक इफ एक्सेस डिनाइड। कॉन्फिस्केशन क्या है जी, सीजर में पोजेशन जाता है, सीजर में पोजेशन जाता है, पोजेशन विद डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट, लेकिन यहां कॉन्फिस्केशन में ओनरशिप गवर्नमेंट की हो जाएगी, ओनरशिप विद गवर्नमेंट। तो यहां लिखेंगे गुड्स सीज्ड कैन बी कॉन्फिस्केटेड। After giving opportunity of being heard, तो ये हम अपॉर्चुनिटी किसको दे रहे हैं, सर्च टीम को और एसएससी को, उसके बाद कन्फिस्केशन हो जाएगी। चलो ये फटाफट से नोट कर लो। चले जी आगे हो गया नोट। कह रहे जब तक एक शेर ही सुना दो हमें। अच्छा मोटिवेशनल शेर, अच्छा मोटिवेशनल से सुनो, मोटिवेशनल शेर सुनो। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलता, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हां जी कह रहे हैं सर ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला आपने पढ़ाना है अभी? हां पढ़ाना है, ये डिन डिन की बातें कर रहा है कि बताऊंगा मैं। असल में जो भी ये सर्च और सर्च का वारंट आएगा इस पे ना एक यूनिक नंबर होना चाहिए जिससे पता लगे ये फेक नहीं है। आजकल सब लोग स्पेशल 26 वो मूवी देखी थी, ऐसे ही कोई भी मुंह उठा के बन के आ जाते थे और पैसा पे चंपट लगा जाते थे। तो डिन मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले याद है आपको मेरे को सेक्शन 67 को लिंक करना था 71 से। तो अब इस चैप्टर के एंड में दो तीन हमारे पास छोटे 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 क्वेश्चन है, सेक्शन है, उनको भी साथ साथ में हम कर लेते हैं। तो
तो आप आ जाइए पेज नंबर 26-27 पर, 26 पे 70-71-72 ये सेक्शन दे रखे हैं। तो हम पेज नंबर, चार्ट आपके पास वहाँ बनाई हुआ है सेक्शन 67 के साथ ही, मैं चाहता हूँ आप एक बार फटाफट से आ जाइए कहाँ, आखिरी पेज इस चैप्टर का, ओ ओ वहाँ सेक्शन 71 दिया है, सेक्शन 71 दिया है, जल्दी से आइए। हाँ जी, एक बार पढ़कर बताइए क्या यहां पर कोई हमें रीजन टू बिलीव चाहिए प्रीमाइसिस पे जाने के लिए, क्या हमें रीजन टू बिलीव कोई चाहिए या नहीं चाहिए? दिखाऊं मैं आपको, यही चार्ट मैंने आपको बना के दे रखा है वहीं पेज नंबर 4 पर जहां पढ़ रहे थे। मैं इसको आपको पहले चार्ट से दिखा देता हूं, देखो जरा, देखो 71 भी 72 भी, सेक्शन 71, हु कैन एक्सेस, जेसी और अबव ऑफिसर का अथोराइज्ड बंदा, जेसी और अबव ऑफिसर ने जिसे अथोराइज कर रखा है ये एक्सेस कर सकता है, रीजन टू बिलीव नहीं चाहिए यहां पर, यहां तो मुंह उठा के आ गया और क्या करने आया यहां पर, क्यों आया यहां पर, बुक्स इंस्पेक्ट करने, यहां पर ये बुक्स इंस्पेक्ट करने आया, डॉक्यूमेंट देखने आया है, ये बुक्स डॉक्यूमेंट्स को देखने आया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देखने आया है, कोई प्रोग्राम हम जो रन करते हैं वो प्रॉपर है या नहीं, वो बुक्स प्रॉपर मेंटेन होती है नहीं होती, ऐसे ही मुंह उठा के चल दिया, रीजन टू बिलीव नहीं था, रीजन टू बिलीव चाहिए था 67 में। तो आजकल ऑफिसर ने ये वाला सेक्शन 71 लगाना शुरू कर दिया और इसको वो सर्च की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए कई एसएससीज ने कोर्ट में रिट लगाई। आप 71 में आप सर्च के लिए ट्रीट नहीं कर सकते, सर्च की तरह आप उसे नहीं कर सकते, सर्च के लिए सेक्शन 67 में है प्रोविजन, तो आप इसको सर्च की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये गलत है, तो कोर्ट में भी अपील पेंडिंग है। हाँ जी, ये किस लिए आया है यहां पर, ऑडिट करने के लिए, स्क्रूटनी के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, चेक के लिए, कर सकता है, 71 है यहां, रीजन टू बिलीव भी नहीं चाहिए, लेकिन सर्च की तरह नहीं कर सकता यूज इसे, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये क्या मांगेगा, ये बुक्स मांगेगा या आपसे किताबें मांगेगा, आपको ये किताबें 15 दिन में उसको दे देनी है, ये बुक्स मांगेगा, कहेगा मैं चेक करना चाहता हूं, कुछ सॉफ्टवेयर आपके चेक करना चाहता हूं, डॉक्यूमेंट चेक करना चाहता हूं, ये बुक्स मेरे को दो। अच्छा, इसमें साथ में लिखा है, हमने पिछली क्लास में एक ऑडिट वाला पॉइंट किया था ना, सेक्शन 65 और सेक्शन 66 याद आया, याद दिलाऊं फटाफट से, जब रिटर्न की स्क्रूटनी के दौरान अगर ऑफिसर को लगता है कि इसने कोई, आपने कोई सेल दिखा रखी है, आप सिक्योरिटी की सर्विस देते हैं मान लो किसी कॉलेज को और उस पर आपने एग्जम्पशन क्लेम कर रखी है और सिक्योरिटी की सर्विस और किसी को देते हो उसको टैक्सेबल दिखा रखा है, तो सिक्योरिटी की सर्विस कॉलेज को दे रखी है उसको एग्जम्प्ट क्लेम कर रखा है तो एग्जम्पशन है नहीं, एग्जम्पशन है नहीं तो उसे लगता है कि ये एग्जम्पशन आप कई सालों में क्लेम कर रहे होगे, तो वो आपका ऑडिट कर सकता है, आपकी रिटर्न की स्क्रूटनी के दौरान अगर कोई गड़बड़ लगती है उसे तो वो सेक्शन 67 में इंस्पेक्शन भी कर सकता है और वो आपका सेक्शन 65 में ऑडिट भी कर सकता है। वो ऑडिट एक साल का हो सकता है, दो साल का हो सकता है, तीन साल का हो सकता है, या अगर उसे कॉम्प्लिकेटेड केस लगता है कि आपने बुक्स प्रॉपर नहीं मेंटेन कर रखी है, तो उसमें आपने वैल्यू या आईटीसी में गड़बड़ कर रखी है, तो वो सेक्शन 66 में सीएसीएम में से स्पेशल ऑडिट करा सकता है, स्पेशल ऑडिट करा सकता है। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं 71 वाला ऑफिसर बिना कोई रीजन टू बिलीव के आपके यहां पे चेक करने आया है तो वो चेक कर सकता है, वो बुक्स मांगता है तो दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर 65 में ऑडिट पार्टी डिपार्टमेंट ऑडिट करता है या 66 में स्पेशल ऑडिट होता है, अगर ये आपसे बुक्स मांगते हैं 15 दिन में अवेलेबल करा दो, जो भी रिकॉर्ड आपने मेंटेन कर रखे हैं, ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, ये सब आप इनको सबमिट कर दीजिए, एक बार रीड कर लीजिए। मेरे हिसाब से सेक्शन 71 में और कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है, आप खुद रीड कर सकते हैं। एन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट अथोराइज्ड बाय
द प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेसी, तो जेसी या उसके अब ऑफिसर ने ऑथोराइज कर रखा है, शेल हैव एक्सेस टू एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन. रीजन टू बिलीव नहीं चाहिए, रीजन टू बिलीव नॉट रिक्वायर्ड, रीजन टू बिलीव नॉट रिक्वायर्ड. इसलिए ऑफिसर ने इस सेक्शन का यूज करना शुरू कर दिया है, इसके लिए रीजन टू बिलीव नहीं चाहिए. तो इंस्पेक्ट किस लिए आया है जी, बुक्स को इंस्पेक्ट करने आया है, तो वहां इंस्पेक्शन के लिए रीजन टू बिलीव चाहिए था, या इंस्पेक्शन के लिए रीजन टू बिलीव चाहिए नहीं, वो बुक्स को, डॉक्यूमेंट्स को, कंप्यूटर्स को, तो यहां आना शुरू कर दिया उन्होंने. इसकी ऑथोराइजेशन के बाद आ जाते हैं, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या अदर थिंग्स वो चेक करने आया है जो कि उसके प्लेस पे है, अवेलेबल है. किस लिए? फॉर कैरिंग आउट ऑडिट, स्क्रूटनी, वेरिफिकेशन एंड चेक्स एज मे बी नेसेसरी टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू. तो एवरी पर्सन इन चार्ज शैल ऑन डिमांड मेक अवेलेबल द ऑफिसर, ऑडिट पार्टी, कोस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉमिनेटेड अंडर सेक्शन 66. यहां क्या होता है? यहां होता है स्पेशल ऑडिट. ये ऑडिट पार्टी डिप्यूटेड बाय प्रॉपर ऑफिसर, ये आपकी हो सकता है डिपार्टमेंटल ऑडिट की बात है, या ऑफिसर ऑथराइज्ड अंडर सबसेक्शन 1. तो ये आपसे बुक्स मांगे गए हैं, ये आपको बुक्स अवेलेबल करानी है. कितने समय में अवेलेबल करानी है जी? 15 दिन में. ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो आपको अवेलेबल करानी है. ठीक है जी, विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, और ये फर्दर पीरियड एक्सटेंड किया जाता है उतने दिन में आप अवेलेबल कराएं. नेक्स्ट, याद करो, याद करो, इंस्पेक्शन करने गए थे, मोटू ने हाथ काटने की बात करी थी, पुलिस को साथ में उठा के लेके जाएंगे, भाई हमारी सुरक्षा करना, डंडा मार देना उसके सर पे, तोड़ देना उसको, अगर वो हमारी हमारे ऊपर वो ऐसा कुछ छींटाकशी करने की कोशिश करे तो. तो पुलिस ऑफिसर, रेलवे, कस्टम कलेक्शन, ये सारे ऑफिसर की हेल्प ली जा सकती है, ये असिस्ट करेंगे प्रॉपर ऑफिसर को हमारे GST एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए. इन सभी की सहायता ली जा सकती है. गांव में जाना है, विलेज ऑफिसर की हेल्प ले लो, पता ही नहीं लग रहा कहाँ वो इंडस्ट्री लग रही है, पता ही नहीं लग रहा कहाँ क्या है, तो आप किसी के भी, रेलवे के ऑफिसर की, पुलिस की, कस्टम की ऑफिसर की, या इन ऑफिसर को छोड़ो, इसके अलावा भी गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है किसी और ऑफिसर्स को जो इसे असिस्ट करेंगे इस GST एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में. अब आइए पिछले पेज पे एक सेक्शन 70 भी दिया हुआ, वो भी कर लेते हैं. सेक्शन 69 जो सेक्शन इसके ऊपर दिया, वो यहां नहीं, वो हम एक अलग चैप्टर में करेंगे. हाँ, प्रोजुकेशन के साथ में उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आइए अब जरा सेक्शन 70, समन क्या होता है. अब पहले मैं स्लाइड से दिखाता हूं, फिर यहां पे आएंगे. ये जो दिखा रहा हूं स्लाइड से, आपके पास चार्ट बना हुआ है, वही एज इट इज दिखा रहा हूं, वो पेज नंबर 4 पर. ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर ने बुलावा भेजा है, चलो बुलावा आया है, जिसको बुलाया उसी को ही जाना पड़ेगा क्या? समन भेजा है, चलो बुलावा आया है, आ जाओ भाई, आ जाओ इन पर्सन, आपको जाना पड़ेगा. वो क्या चाहता है? कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ बुक्स, कुछ लेके आओ, हमें एविडेंस चाहिए तुमसे, हमें कुछ डॉक्यूमेंट लेके आओ, बुक्स लेके आओ, जिससे हमें तुमसे कुछ एविडेंस कलेक्ट करना है. तो आपकी अटेंडेंस जरूरी है, आपको आना पड़ेगा इन पर्सन, या फिर आपका कोई अथोराइज बंदा आए, अथोराइज बंदा आए. अगर 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 वो लीगली बाउंड है वो आए, या उनका अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव आए. नहीं आया तो सेक्शन 122 एक अगला चैप्टर है. सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ, 25,000 तक की पेनल्टी लग सकती है नहीं आए तो. और कुछ हो सकता है, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा. हमारे GST एक्ट में नहीं लिखा हुआ, ये इंडियन पिनल कोड में लिखा हुआ, IPC में लिखा हुआ है. तो अगर आप, क्योंकि ये आपको समन भेजा तो आपकी अटेंडेंस जरूरी है, आप आओ या आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव आए. ना आए तो जेल में बैठना पड़ेगा,
और 25,000 की पेनल्टी एडिशन में लग सकती है। पेनल्टी तो हमारे जीएसटी एक्ट में है, ये जो प्रोजिक्यूशन है ये इंडियन पिनल कोड में है। आप नहीं आए तो आपको प्रोजिक्यूशन हो सकती है, तो इसलिए समन भेजा तो आपको आना ही पड़ेगा। चलो बुलावा आया है, प्रॉपर ऑफिसर ने बुलाया है तो प्रॉपर ऑफिसर के पास जाओ, ना नतीजा ये जेल में जाना पड़ेगा। ओ ओ ओ, ये क्या जेल में क्यों डाल दिया? ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ये प्रोसीडिंग क्या है? ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है इन आईपीसी के 193 और 228। आप आए, आए तो सही, लेकिन आपने फॉल्स एविडेंस दिया, आपको जेल में डाल सकते हैं। समन दे के बुलाया है प्रॉपर ऑफिसर ने, जाओ और सच सच बताओ। गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, हम सच सच बता रहे हैं, मतलब आपको सच बताना है। अगर आपने झूठ बोला आपको जेल में डाल सकते हैं, सेक्शन 193 इंडियन पिनल कोड का। 228, अगर आपने उस ऑफिसर की इंसल्ट करी इंटेंशनली, आपको जेल में डाला जा सकता है। तो ये इंडियन, ये आपकी इसे जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा अंडर आईपीसी अंडर सेक्शन 193 और 228। तो ये 193 और 228 ये बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप आइए उसे पढ़ लेते हैं, अब आइए आप उसे पढ़ लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। सेक्शन 70, पेज नंबर 17.26। The proper officer under this act shall have power to summon any person, जो मैंने दिखाया था वो क्या आपको चार्ट बन के दे रखा है? हाँ, वो आपको चार्ट बन के दे रखा था, ठीक है, तो वो सब लिख के दे रखा है। any person whose attendance he considers necessary either to give evidence or to produce a document। किस लिए बुलाया है? किस लिए बुलाया है? आप डॉक्यूमेंट या कोई एविडेंस हमें हमें देकर जाओ। In inquiry in same manner as provided in the case of a civil court under the provisions of code of civil procedure। और इसे क्या माना जाएगा? इस inquiry को judicial proceeding माना जाएगा under section 193 और 228। 193 और 228 किसका? IPC का, Indian Penal Code का। 193 क्या कहता है? ये कहता है अगर if false evidence given, अगर आपने false evidence दिया तो आपको प्रोजिक्यूशन हो सकती है, आपको जेल में बैठना पड़ सकता है। ये जेल बना दीजिए। अच्छा, दूसरा और क्या? अगर आप 228 में इंटेंशनली इंसल्ट करते हैं ऑफिसर, तो भी आपको नतीजा क्या भुगतना पड़ेगा? प्रोजिक्यूशन। प्रोजिक्यूशन, जेल में बैठाना जा सकता है। तो आपको समन भेजा गया है तो आप आइए, समन भेजा गया है तो आपको आना है, आइदर हिमसेल्फ और थ्रू अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव आना जरूरी है। प्रॉपर ऑफिसर ने बुलाया है, आना जरूरी है। चलो बुलावा आया है, प्रॉपर ऑफिसर ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, प्रॉपर ऑफिसर ने बुलाया है तो जाना जरूरी है। तो Either himself or through authorized representative, तो जाना जरूरी। बुलाया है मतलब समन भेजा है इसके लिए, तो जाना जरूरी। Either in person or representative या representative जाए वहां पर, ठीक है। अच्छा जी, जल्दी नोट करो फिर चले आगे।
क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन कर सकते हैं जी इस पे, वो आप खुद रीड कर लेना, ठीक है, कल कराएंगे उनके बारे में रीड। अब मैं इससे रिलेटेड, इस बार आपके अटेम्प्ट के लिए एक सर्कुलर आया है, वो सीबीआईसी का सर्कुलर कहता है कि ये स्पेशल 26 जैसी फिल्में कोई सच्चाई से परे नहीं है, लोग ऐसे शिकार हो रहे थे। अभी भी जीएसटी के कई ऑफिसर ऑफिशियल आईडी से ना मेल भेज के नोटिस भेज रहे हैं या सर्च वारंट भेज रहे हैं अनऑफिशियल आईडी से। तो ऐसा ये डिपार्टमेंट ने पाया कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड बड़े बढ़ गए हैं, तो अब ये कैसे प्रूव हो कि जो सर्च वारंट लेके बंदा खड़ा है वो सही है? इंस्पेक्शन करने के लिए आया तो इंस्पेक्शन का उसके पास ऑथोराइजेशन होगा सेक्शन 67 का, तो सेक्शन 67 का ऑथोराइजेशन उसने हमें दिखाया, ये कैसे पता लगे ये सही है ये फेक नहीं है? तो उस इंस्पेक्शन वाले ऑथोराइजेशन पर या सर्च करने आया तो सर्च वारंट पर एक नंबर होना चाहिए, यूनिक नंबर, जिस यूनिक नंबर को मैं सीबीआईसी की साइट पे जाके डालूं और चेक करूं कि ये फेक नोटिस तो नहीं है। तो मेरे को एक एविडेंस चाहिए कि जो इंस्पेक्शन करने आया है वो नोटिस सही है, ऑथोराइजेशन सही है या सर्च वारंट सही है। इसके लिए उस पर एक नंबर होगा, यूनिक नंबर होगा। उस यूनिक नंबर को मैं सीबीआईसी की साइट पे जाकर डालूंगा और चेक करूंगा कि क्या ये सही है। अगर सही होगा तो ही वो मेरे यहां पे इंस्पेक्शन करने दूंगा या सर्च करने दूंगा, नहीं तो उसे मुक्का मार के भगा दूंगा। इसका मतलब भगा क्या दूंगा, उसको पकड़ लूंगा और पुलिस में उसकी गुद्दी पकड़ के पुलिस के सामने थमा दूंगा। अब ऐसे फ्रॉड नहीं हो पाएंगे। इसके लिए अब वो जो 2 पेजेस हमने छोड़े थे, आ जाइए उन्हें देखते हैं। पेज नंबर 17.2 ये है वो सर्कुलर 122/41/2019। एक ये सर्कुलर है, एक पेज नंबर 3 पे सर्कुलर है। ये डिन होगा आपके डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा आपके इस सर्च वारंट पर, आपके इंस्पेक्शन ऑथोराइजेशन के ऊपर में। कोई समन भेजा है उन्होंने, अभी हम समन पढ़ के आए हैं, समन के ऊपर भी डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। कोई अरेस्ट करने आया बंदा तो उस अरेस्ट वाले मीमो के ऊपर में भी ये डिन होगा। अगर डिन है तो इंस्पेक्शन करने दो, नहीं तो मुक्का मार के भगा दो। सर्च वारंट लेकर आया है उस पे डिन है तो सर्च करने दो, नहीं तो वो फ्रॉडी बंदा है। डिन तो कोई भी डाल सकता है। अब आप डिन को सीबीआईसी की साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, ये डिन सीबीआईसी की साइट पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये जो डिन होगा ये कैसे होगा जी, पहले सबसे आगे सीबीआईसी लिखा होगा, फिर 4 ईयर के लिए होंगे अगले, ये जो इंडिकेट करेंगे कौन से ईयर का ये इंस्पेक्शन का नोटिस भेजा गया है, फिर मंथ होगा, फिर ZCDR, ये Z4 जोन है, C4 कमिश्नरेट है, D4 डिवीजन है और R4 रेंज है। याद करो याद करो, चैप्टर नंबर 2 किया था ना, वहां पर सबसे नीचे रेंज रेंज होती थी, सुप्रिटेंडेंट रेंज का ऑफिसर, कमिश्नर, जो कमिश्नर का एरिया होता था उस एरिया को क्या बोला करते थे, कमिश्नरेट। जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर का एरिया होता था उसे क्या बोला करते थे, डिवीजन। सुप्रिटेंडेंट के एरिया को क्या बोलते थे, रेंज। चीफ कमिश्नर के एरिया को क्या बोला करते थे, जोन। तो इंडिया को उन्होंने कंट्रोल करने के लिए ऐसे पहले, सबसे पहले जोन में डिवाइड कर रखा है, फिर एक जोन को कुछ कमिश्नरेट में, फिर कमिश्नरेट को डिवीजन में, डिवीजन को रेंज में। तो ये लिखी होगी उस पे ये सब, और लास्ट में एक अल्फा न्यूमेरिक रैंडम जनरेट कोड होगा। तो ये होगा डिन का स्ट्रक्चर, ये क्या होगा, डिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डिन क्या है, ये चेक करने के लिए कि जो आपके पास नोटिस लेकर आए हैं, क्या आपके पास सर्च वारंट आया है, आपके पास अरेस्ट मीमो आया है,
या आपके पास समन आया है ये, या कोई नोटिस आया है या इंस्पेक्शन नोटिस आया है, ये फेक तो नहीं है? ये चेक कैसे हो जाएगा? उस पे आपके पास होगा डिन। ये डिन सही है या अपनी तरफ से कोई लिख के आ गया है, तो आप इसे cbic.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पे वेरीफाई सीबीआईसी डिन, उस वहां पे जाके आप इसकी जेन्युइननेस को चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। शुरुआती दौर पर जब ये सर्कुलर इशू किया गया, तब ये शुरुआत में सिर्फ सर्च वारंट, समन, अरेस्ट, मीमो, इंस्पेक्शन के लिए यूज किया गया था। लेकिन अब जो नेक्स्ट पेज पे सर्कुलर दे रखा है उसकी मैंने 3 लाइनें लिख दी, बस यही काफी है। अब उन्होंने बोल दिया कोई भी डॉक्यूमेंट अगर गवर्नमेंट की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से इशू हो रहा है तो हर एक पे डिन होना चाहिए, नहीं तो वो इनवैलिड है। कहता बोर्ड हैज नाउ डायरेक्टेड द इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन कोटिंग ऑफ डिन शैल बी डन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन। शुरुआत में सिर्फ इनके लिए किया गया था, सर्च वारंट, समन, अरेस्ट, इंस्पेक्शन, इनके लिए। अब किसके लिए? सभी प्रकार की कम्युनिकेशन, इवन ईमेल भी, आपके पास ईमेल भी आएगी अगर उसके ऊपर डिन होना चाहिए। सेंड टू टैक्सपेयर्स एंड अदर कंसर्न्ड पर्सन, अगर नहीं है डिन तो उसे क्या माना जाएगा? इनवैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड। ठीक है जी, ये अगर ये डिन नहीं है तो इसका मतलब उसे क्या माना जाएगा? इनवैलिड, इनवैलिड, इनवैलिड। लेकिन एक्सेप्शन है, वैसे तो इनवैलिड है लेकिन इसके कुछ दो एक्सेप्शन है। अगर जो डिन जनरेट करने वाला सिस्टम है, पोर्टल है, वो उसमें ग्लिचेस है, अब रुके रहे हैं फिर, अगर उसमें टेक्निकल ग्लिच है, दो ही केसेस में ये ऐसा हो सकता है डिन ना हो, फिर भी वो नोटिस या कोई भी कम्युनिकेशन, वो सर्च वारंट वैलिड माना जाएगा। अगर जो डिन जनरेट करने वाला पोर्टल है उसमें टेक्निकल ग्लिचेस आ गए हैं। नंबर दो, जो बंदा नोटिस इशू करना चाहता है वो ऑफिस से बाहर गया हुआ है डिपार्टमेंट के ही किसी काम से, और उसे लगता है कि मैं लौटूंगा 2 दिन में, इतने दिन में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, भग जाएगा वो बंदा। अथोराइज ऑफिसर आउटसाइड ऑफिस डिस्चार्जिंग इज ऑफिशियल, वो अपनी ऑफिस वाली ड्यूटीज करने के लिए कहीं बाहर गया हुआ है, जैसे इलेक्शन के टाइम पे इनकी ड्यूटीज लगा दिया करते हैं, तो ऑफिशियल ड्यूटी की वजह से उसे कहीं बाहर भेज रखा है, तो अब वो यहां पे आएगा 2-3 दिन बाद, तो 2-3 दिन में तो बहुत लेट हो जाएगा। एंड द नोटिस, चाहे वो कम्युनिकेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, वो इमीडिएटली इशू करना है। तो इस केस में वो बाहर से ही, वहीं से ही वो उसके पास बंदा जाएगा, उससे साइन करा के आ जाएगा कि ये सर्च वारंट जो है इस पे साइन करके दो, वो सर्च वारंट साइन करके दे देगा। लेकिन अगर ये ऐसा किया, लेकिन ध्यान रहे, इन दोनों सिनेरियो में टैक्स ऑफिसर को 15 दिन के अंदर अंदर फिर डिन इशू करना पड़ेगा। अगर उसने मैनुअल इशू कर दिया, डिन उसके ऊपर में नहीं है, उस डिन उसके ऊपर में नहीं है, तो उस केस में चलो कोई बात नहीं, आपने ऐसे ही साइन करके दे दिया, डिन नहीं जनरेट किया, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर डिन फिर जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज वाला सर्कुलर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैंने ऊपर 3 लाइनें लिखवा दी हैं। बस इसमें यही बता रखा है कि पहले ये सब सिर्फ सर्च वारंट, मीमो, ये अरेस्ट, इन्हीं के लिए ही वो शुरू में उन्होंने कंपलसरी किया था, अब हर कम्युनिकेशन के लिए कंपलसरी कर दिया है और इनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिए हैं। और वो फॉर्मेट इन्होंने, इंस्पेक्शन नोटिस का फॉर्मेट क्या होगा, समन का फॉर्मेट क्या होगा, अरेस्ट मीमो का फॉर्मेट क्या होगा, वो फॉर्मेट बना दिया बस। तो आइए एक बार मैं इसे फिर आपको स्लाइड से दिखा दूं। लो जी लो, चलते हैं आगे। हो क्या करना है? सबसे पहले डिन क्या है बताओ, डिन क्या होता है? डिन ये 20 डिजिट का यूनिक नंबर है। अच्छा, ये सीबीआईसी ने क्यों ये डिन इनिशिएट किया है, कि क्यों? ताकि सिक्योर कम्युनिकेशन हो, फेक नोटिस ना इश्यू हो पाए, स्पेशल 26 जैसी मूवी ना बन पाए, तो लोग चेक भी कर सकते हैं। नंबर दो, डिन का स्ट्रक्चर क्या होगा?
डिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले चार, 20 में पहले चार ईयर, अगले दो मंथ, फिर अगले चार जोन, कमिश्नरेट, डिवीजन, रेंज, और अगले चार फिर वो होगा ऑटो अल्फाबेटिकली अल्फा न्यूमेरिक कोड। तो ये होगा हमारा 20 डिजिट का यूनिक नंबर। अच्छा, स्ट्रक्चर के बाद क्या फायदा है इसका डिन का? अरे बड़े फायदे हैं, सिर्फ फेक नोटिस वाली बात छोड़ो, फेक नोटिस इजी आइडेंटिफिकेशन तो हो जाएगा, गवर्नमेंट को भी फायदा है, ऑडिट ट्रेल बन जाएगी, इस बंदे की ऑडिट ट्रेल बन जाएगी कि ये बंदे ने पहले गड़बड़ करी थी। तो फेक नोटिस आइडेंटिफिकेशन ये तो पर्पज था मेन ही, ये मेन पर्पज था, लेकिन इसके बाद ऑडिट ट्रेल भी बन जाएगी कि हमने इसको क्या क्या कम्युनिकेशन भेजे थे, और बट वैसे टैक्स पेयर्स का भी राइट प्रोटेक्ट हो रहा है। अच्छा, तो ये बताओ डिन कोड कब यूज किया जाएगा? शुरुआत में तो इन्होंने किसके लिए किया था? सर्च वारंट के लिए, समन्स के लिए, अरेस्ट मीमो के लिए, इंस्पेक्शन नोटिस के लिए, बस इनके लिए था। अब हर कम्युनिकेशन पे, एवरी कम्युनिकेशन, चाहे वो ईमेल भी भेजी जा रही है, डिन होना चाहिए। अगर नहीं नहीं नहीं, ये पता कैसे लगेगा जो डिन है वो सही है कि नहीं है? सीबीआईसी की साइट पर जाकर देख लो, वेरीफाइड डिन में वो डिन नंबर डालो, पता लग जाएगा सही है कि नहीं है। सर सर एक बात बताओ। क्या बताएं सर? वैलिडिटी ऑफ नोटिस नॉट हैविंग डिन इनवैलिड, डिन नहीं है तो इनवैलिड, लेकिन दो एक्सेप्शन है, टेक्निकल ग्लिचेस। नंबर दो, अथराइज ऑफिसर ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ और इमीडिएटली नोटिस इशू करना जरूरी है, लेकिन 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 फिर उसके 15 दिन में डिन इशू कर देना। ठीक है जी, ये थी हमारी बातें। ठीक है, अब हम इसके बाद अब शुरू करेंगे ई वे बिल। ई वे बिल का मैं एक आइडिया दूंगा आज, और ई वे बिल साथ में कैरी करना होता है एटसेट्रा एटसेट्रा, वो करेंगे। अच्छा, पहले ब्रेक चाहिए? चलो यहाँ मैं आपको पहले देता हूँ ब्रेक, मिलेंगे हम ब्रेक के बाद, 10 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलेंगे, फटाफट से चलते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं जी आपको। ओके, thank you.
हाँ जी, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। कहाँ 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 ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईवे बिल स्टार्ट कर रहे हैं हम। ईवे बिल में इसके हमारे जो रूल हैं, एक है सेक्शन 68 और साथ में हमारे रूल 138 ए बी सी डी ई, ये हैं पांच हमारे रूल।
ठीक है जी। तो आज हम रूल 138 जो ईवे बिल बनाने की बातें करता है वो तो हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे बाकी के रूल्स, रूल 138 ए बी सी डी ई ओ ये डिस्कस करेंगे। रूल 138 का एक आइडिया दूंगा, क्या है ये ई वे बिल, ई वे बिल क्या है। ये है जी ई वे बिल, इसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है, जो आप माल लेके जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, अगर उस माल की वैल्यू 50,000 से ऊपर है, अगर उस कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ऊपर है, तो आपको ई वे बिल बनाना जरूरी है। ये ई वे बिल कहां से बनाओगे, ई वे बिल की साइट से, ई वे बिल के पोर्टल से आप ये ई वे बिल बनाओगे, अपने कंप्यूटर से नहीं। रुको 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 रुको, आप कहां जाओगे, ई वे बिल सिस्टम, ई वे बिल gst.gov.in, यहां से आप ई वे बिल बनाओगे। ई वे बिल आप ई वे बिल gst.gov.in, gst.gov.in आपका पोर्टल था, ये एक और आ गया जी, ये कोर आ गया ewebill.gst.gov.in, यहां से ईवे बिल जनरेट होंगे, ये भी आपका कॉमन पोर्टल है। क्या कर रहे हो आप, यहां से है क्या ये ईवे बिल, आप गवर्नमेंट को बता रहे हो मैं अपना सामान इस जगह से इस जगह पर, जैसे आप दिल्ली से यूपी में अगर गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो तो आप बता रहे हो कि मैं 50,000 से ऊपर का सामान, जैसे मान लीजिए 2,00,000 रुपए का सामान मैं दिल्ली से यूपी लेकर जा रहा हूं। मैंने ये नहीं बोला सेल किया है तो ही बताना है, जब भी आप गुड्स की मूवमेंट करोगे चाहे सेल करियो या ना करियो, आपको ई वे बिल इस पोर्टल पर बताना जरूरी है, गवर्नमेंट को पहले से पता लग जाएगा। अब आप इसको लिंक करो, हमने कल ऑडिट का चैप्टर किया था, असेसमेंट का चैप्टर किया था, याद करो जो लोग अपनी रिटर्न नहीं सबमिट करते हैं, नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, उन आपने रिटर्न नहीं सबमिट करी, तो क्या आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है, आपने जब जब माल बेचा था 50,000 से ऊपर का तो आपने ई वे बिल बनाया था, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन होगी, आपने यहां से ईवे बिल जनरेट किया था, जहां पे जहां से जहां भेजा था आपने यहां से ईवे बिल जनरेट किया था, इस ईवे बिल की सेल का टोटल वो उस पे निकाले एक महीने का, उस टोटल पे जीएसटी निकाले और जीएसटी इंटरेस्ट पेनल्टी आपको निकाल के भेज दे, असेसमेंट कर दे आपकी। जो लोग अपने रिटर्न नहीं फाइल करते हैं पहले, उनके पास सेक्शन 46 में एक नोटिस आता है कि आप अपने रिटर्न जमा करो 15 दिन के अंदर अंदर, आपके रिटर्न नहीं आई है, अगर आप रिटर्न नहीं सबमिट करते हैं नोटिस आने के 15 दिन के अंदर अंदर, सेक्शन 46 के 15 दिन, नोटिस आने के 15 दिन में अगर आप रिटर्न नहीं देते हैं तो आपकी असेसमेंट कर दी जाती है। सेक्शन 62 में नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, जो रिटर्न नहीं फाइल करते हैं उनकी असेसमेंट कर दी जाती है, इस असेसमेंट के लिए वो इस ईवे बिल के सेल का टोटल ले सकते हैं, या और क्या कर सकते हैं, ये तो ईवे बिल्स मैंने लिंक किया, मैंने आपको बताया था आपकी परचेज उनको दिख रही होगी GSTR 2A में, उस परचेज की बेसिस पे प्रॉफिट ऐड करके आपकी सेल निकाल के आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं। पहले नोटिस आएगा रिटर्न नहीं सबमिट करिए, आपने 15 दिन में सबमिट करो, 15 दिन में सबमिट नहीं करते तो आपकी सेक्शन 62 में BJA कर देंगे, और BJA बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे, उसके लिए वो आपके ईवे बिल में लिखी हुई सेल की वैल्यू का टोटल ले सकते हैं, या उनको आपकी परचेज दिख रही होगी GSTR 2A पोर्टल पर, उसके बेसिस पे आपकी सेल निकाल के आपको नोटिस भेज सकते हैं, असेसमेंट करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो ईवे बिल ये जीएसटी का पोर्टल है, यहां से आप जनरेट कर रहे हो,
समझ में आ रही है इसकी इंपोर्टेंस क्या है, क्यों इस ई वे बिल को ये इस कंसेप्ट को ये लेकर आए और ये गवर्नमेंट के ही पोर्टल से ई वे बिल जनरेट क्यों करना है। जब भी आप गुड्स की मूवमेंट करेंगे ई वे बिल जनरेट करना है, अगर वैल्यू 50,000 से ऊपर है। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं 50,000 से ऊपर, तो आपको ई वे बिल बनाना जरूरी है। जैसे आपने सेल करी है इस वजह से गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो, 50,000 से ऊपर का माल बेचा है तो आपको बायर के यहां पे पहुंचाना है, तो आपको पहले ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। तो बीच रस्ते में आपका ई वे बिल चेक किया जा सकता है, दिखाओ जी अपना ई वे बिल। नहीं होगा अगर आपके पास ई वे बिल, तो दो सेक्शन 122 यहां पेनल्टी लगा देंगे आपके ऊपर में, और 129 इसमें आपका माल सीज कर लेंगे। ये वाली डिटेल तो मैं कल कराऊंगा, तो इसलिए ई वे बिल की इंपोर्टेंस आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। ई वे बिल गुड्स की मूवमेंट के लिए बनाना पड़ता है, गवर्नमेंट को पहले से ही बता देना होता है कि मैं माल लेके जा रहा हूं इस दिल्ली से यूपी में या दिल्ली से हरियाणा में, तो मैं आपको पहले ही इंटीमेट कर रहा हूं। बीच रस्ते में अगर कोई ऑफिसर चेक करेगा तो उसे हम ई वे बिल दिखा देंगे, वो जाने देगा, क्यों, मैंने गवर्नमेंट को पहले ही बता रखा था मैं यहां से यहां सामान लेके जा रहा हूं, तो मेरे पास नंबर होगा ई वे बिल का, मैं उनको दिखा दूंगा, तो उसके बेसिस पे मेरे को जाने देंगे। तो ई वे बिल गुड्स की मूवमेंट के लिए जरूरी होता है, किसके लिए, गुड्स की मूवमेंट के लिए जरूरी होता है। ठीक है जी, चलिए वापस आते हैं अपनी स्लाइड में। तो ई वे बिल के दो पार्ट हैं, एक है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए, जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, सेलर कर रहा है तो सेलर भर के देगा, सप्लायर कर रहा है तो सप्लायर भर के देगा, और अगर रिसीपिएंट कर रहा है तो रिसीपिएंट भर के देगा। जो पार्ट बी है ये ट्रांसपोर्टर भरेगा, जो पार्ट बी है ये कौन भरेगा, ये ट्रांसपोर्टर भरेगा, उसको उसका ट्रक का नंबर पता होगा, इसमें ट्रक की डिटेल जाती है। तो पार्ट ए में आपकी गुड्स की डिटेल आ जाएगी, इसमें सप्लायर का जीएसटीन, रिसीपिएंट का जीएसटीन आ जाएगा, इनवाइस नंबर आ जाएगा या चलान नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, गुड्स का कोड आ जाएगा, और क्यों हम ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो वजह आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद पार्ट बी ये ट्रांसपोर्टर भरेगा। अगर आप अपने ट्रक में सामान लेके जा रहे हो, सप्लायर अपने ही ट्रक में सामान लेके जा रहा है, तो पार्ट बी भी वो खुद ही भरेगा, या फिर बायर खुद माल उठाने आया है तो बायर पार्ट ए भरेगा। तो पार्ट ए किसको भरना है ये डिपेंड करता है जो गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, सप्लायर कर रहा है तो सप्लायर को पार्ट ए भरना है, बायर खुद आया है अपना माल उठाने के लिए तो बायर को पार्ट ए भरना है, बायर को पार्ट ए भरना है। जो पार्ट बी है ये जनरली ट्रांसपोर्टर का है, क्योंकि ट्रक का नंबर इसमें लिखना है और ट्रक का वो डॉक्यूमेंट नंबर लिखना है जो बिल्टी इश्यू हुई होगी उसका। अच्छा, सवाल, क्या ये ई वे बिल ट्रक से गुड्स की मूवमेंट करी तो बनेगा, या शिप से, एयर से, रेल से गुड्स की मूवमेंट करी तब भी बनेगा? ये सभी कन्वेंस से गुड्स की मूवमेंट, किसी भी कन्वेंस से गुड्स की मूवमेंट हो रही हो बनेगा, चाहे शिप से भेजो, चाहे एयर से भेजो, चाहे रोड से भेजो, चाहे रेल से भेजो, ये आपका ई वे बिल सभी केसेस में बनेगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कब बनाना है ये ई वे बिल, ध्यान रहे ये जो पार्ट ए है ये एक बंदा जब भरेगा, सप्लायर या रिसीपिएंट, ये भरने के बाद एक नंबर मिलेगा, यूनिक नंबर, अभी ई वे बिल नहीं बना, अभी यूनिक नंबर मिलेगा। जब पार्ट बी भर दिया जाएगा तो फिर ई वे बिल नंबर मिलेगा, और ये 15 ये दिन में भरा जा सकता है, ये जो पार्ट बी है ये ए, पार्ट ए भरने के बाद 15 डेज के अंदर अंदर भरा जा सकता है। तो आइए दिखाता हूं मैं अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में, देखेंगे सप्लायर है, रिसिपिएंट है, गुड्स की मूवमेंट हो रही है, चाहे ट्रक से, वेसल से, एयरक्राफ्ट से, रेल से, किसी भी मोड से गुड्स की मूवमेंट हो रही है। ओ, हम एग्जाम्पल ट्रक का ले रहे हैं, मूवमेंट चाहे किसी भी तरीके से हो, हम अभी एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, ट्रक का ले रहे हैं। गुड्स की मूवमेंट से पहले, गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले, गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है वो पार्ट ए भरेगा,
रजिस्टर्ड पर्सन जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है वो पार्ट ए भरेगा, वो पार्ट ए भरेगा, वो पार्ट ए भरेगा। पार्ट ए में क्या है, ये गुड्स की ट्रांजेक्शन डिटेल है, ट्रांजेक्शन डिटेल है, ठीक है। जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, चाहे सप्लायर चाहे रिसिपिएंट, गुड्स की मूवमेंट से पहले पहले पार्ट ए भरेगा, ठीक है। इस पार्ट ए भरने के बाद आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा, ईवे बिल नंबर नहीं मिला अभी, एक यूनिक नंबर मिला है, क्योंकि ईवे बिल तो पार्ट बी भरने के बाद मिलेगा, ईवे बिल तो पार्ट बी भरने के बाद मिलेगा। अच्छा, अब सवाल ये, पार्ट ए कौन कौन भर सकता है, पार्ट ए कौन कौन भर सकता है? अभी मोटा मोटी तौर से तो हमने बोला कि पार्ट ए भर सकता है सब, जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है। इसमें कौन आ जाएगा, कंसाइनर या कंसाइनी, कंसाइनर सेलर या बायर, जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है वो भर देगा। इसके अलावा हम ट्रांसपोर्टर को ऑथराइज कर सकते हैं, तू ही पार्ट ए भर ले। हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो माल बेचते हैं, अमेजोन के थ्रू अगर हम माल बेचते हैं, हम अमेजोन को ही बोल सकते हैं तू ही ये पार्ट ए भर ले। हम कुरियर के थ्रू माल भेजते हैं तो हम कुरियर वाले को ही बोल सकते हैं तू ही ये पार्ट ए भर ले। तो ये तो वैसे तो जनरली जो गुड्स की मूवमेंट करता है वो भरता है, लेकिन हम ऑथोराइज कर सकते हैं ट्रांसपोर्टर को, तू भर ले पार्ट ए, पार्ट बी तो तेरे को भरना ही था, पार्ट ए भी तू ही भर ले। हम ईको या कुरियर एजेंसी को, ईको मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे अमेजोन के थ्रू हमने गुड्स बेचे हैं तो हम अमेजोन को बोल सकते हैं तू एक काम कर, ये पार्ट ए भर ले इसका, या कुरियर एजेंसी के थ्रू भेजें तो कुरियर एजेंसी। इसके अलावा अगर आपने जॉब वर्क पे माल भेज, जॉब वर्कर के पास भेजे हैं, जॉब वर्क क्या होता है, मैं अपना मटेरियल दूसरे के पास भेज रहा हूं कुछ बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कपड़ा परचेज करता हूं, टेलर के पास भेजता हूं और उसको बोलता हूं इसे पैंट शर्ट बना दियो, तो टेलर क्या कर रहा है, टेलर जॉब वर्क कर रहा है, अपने रॉ मटेरियल पे काम नहीं कर रहा, किसी और के रॉ मटेरियल पे काम कर रहा। तो ये होती है जॉब वर्कर की पहचान, वो अपने मटेरियल पे काम नहीं करता, किसी और के मटेरियल पे काम करता है। तो जॉब वर्क के केस में प्रिंसिपल या जॉब वर्कर कोई भी ये पार्ट ए भर सकता है। ध्यान रहे, पार्ट ए भरने से ईवे बिल नहीं बन गया, पार्ट ए भरने से सिर्फ सिर्फ आपको एक यूनिक नंबर मिला है। अभी तो आपका ये ईवे बिल कब, आपको ईवे बिल नंबर कब मिलेगा, जब पार्ट बी भरा जाएगा, जब पार्ट बी भरा जाएगा। ये पार्ट बी कितने दिन में भर सकते हैं, 15 दिन के अंदर अंदर। ये कौन भरेगा, ये रजिस्टर्ड पर्सन या ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर को अगर खुद का ट्रक है तो आप खुद भरोगे, और अगर ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेजा तो ट्रांसपोर्टर भरेगा 15 दिन के अंदर अंदर। जब ये 15 दिन के अंदर अंदर, हाँ जी 15 दिन के अंदर अंदर तो ठीक है, ये बता दो मेरे को एक बार, क्या ये भी पार्ट बी भी गुड्स की मूवमेंट से पहले ही भरना है क्या? 15 डेज का मतलब तो ठीक है, ये बता दो क्या पार्ट बी भी गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले ही भरना है क्या? जी हां जी हां जी हां, गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले ही भरना है। और जब आपने पार्ट बी भर दिया तब आपको ई वे बिल नंबर मिलेगा, तब आपको मिलेगा ई वे बिल नंबर। कल मैं थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा, मैंने एक आइडिया दिया है, रेल एयर और वेसल के केस में पार्ट बी बाद में भी भरा जा सकता है, ये कल डिटेल में आएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें हमारे को पार्ट बी भरने के लिए हमें रेलवे रिसिप्ट नंबर चाहिए होता है, एयरवेज के लिए एयरवे बिल नंबर चाहिए होता है, शिप के केस में बिल ऑफ लेडिंग नंबर चाहिए होता है, वो मिलता ही तब है जब हम उनको गुड्स देते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया, ईवे बिल नंबर कब मिलेगा, पार्ट ए भरने पे नहीं, पार्ट बी भरने पे, पार्ट बी भरने पे, ठीक है। अब मैं आपका रूल 138 को छोड़ता हूं, रूल 138 कल कराऊंगा मैं आपको, मैं बाकी रूल 138 से कनेक्टेड रूल जो है वो करा देता हूं। आइए मस्त 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 चार्ट देखेंगे। ईवे बिल स्टेप नंबर 1, रूल 138। ओ ओ, यहां अभी आप क्या पढ़ के आए, पार्ट ए मूवमेंट से पहले भरना है, पार्ट बी भी मूवमेंट से पहले भरना है, लेकिन आप विद इन 15 डेज, पार्ट ए भरने के बाद विद इन 15 डेज में पार्ट बी भर सकते हैं, और पार्ट बी भरने के बाद में ई वे बिल नंबर जनरेट होगा। पार्ट बी भरने के बाद में क्या होगा, ई वे बिल जनरेट होगा। पार्ट ए भरने के बाद यूएएन नंबर, पार्ट बी भरने के बाद ई वे बिल नंबर, पार्ट ए भरने के बाद यूएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, और पार्ट बी भरने के बाद ई वे बिल नंबर। जब तक पार्ट बी नहीं भरा तब तक आपका ई वे बिल वैलिड ही नहीं है, वैलिड नहीं है। अच्छा जी, एक बात और, क्या
ये पार्ट ए हम ट्रांसपोर्टर को, इको को, कुरियर एजेंसी को ऑथराइज कर सकते हैं कि तुम भर लो? जी हाँ, ये हम उन्हें ऑथराइज कर सकते हैं कि तुम भर सकते हो। तो रूल 138 इतना ही, बाकी डिटेल हम कल करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगली कनेक्टिविटी, स्टेप टू, 138A। अब जब आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट साथ में कैरी करने हैं या डिवाइस साथ में कैरी करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट या डिवाइसेस आपको कैरी करनी है, ऐसा रूल 138A बोलता है। हाँ जी, डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो वो है आपका इनवाइस, अगर आपका टैक्सेबल सामान है तो टैक्स इनवाइस होगा, एग्जम्प्ट सामान है तो बिल ऑफ सप्लाई होगा, अगर गुड्स की मूवमेंट सेल नहीं हुई है, जो वर्कर के पास जैसे भेजा है तो चलान होगा, डिलीवरी चलान होगा, या सेल एंड अप्रूवल पर भेजा है तो चलान होगा। तो आपका गुड्स का मूवमेंट का प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या होगा, या तो टैक्स इनवाइस होगा अगर टैक्सेबल सामान है तो, अगर एग्जम्प्ट सामान है तो बिल ऑफ सप्लाई होगा, और अगर सप्लाई ही नहीं है तो चलान होगा, सप्लाई नहीं है तो क्या होगा, चलान होगा, ठीक है। इसके साथ साथ ई वे बिल, प्राइमरी डॉक्यूमेंट और एक एडिशनल डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट ई वे बिल, या फिजिकली फिजिकल फॉर्म में भी लेके चल सकते हैं, या इसका नंबर भी ले सकते हैं, अपने फोन में SMS वो कर ले लो, वो नंबर भी उससे भी काम चल जाएगा, इनवाइस की कॉपी पे भी सिर्फ नंबर लिखा होगा तो भी चल जाएगा, जरूरी नहीं है कि इसकी फिजिकल कॉपी हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, मैंने इनवाइस के साथ लिखा है IRN, इनवाइस रेफरेंस नंबर, ये क्या है अभी बताऊंगा डिटेल में। जिन लोगों को ई इनवाइसिंग मैंडेटरी है, किन्हें मैंडेटरी है, जिनकी 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, तो ऐसे इनवाइस का भी एक पोर्टल है, जैसे ई इनवाइस, ये जैसे हमने ई वे बिल का पोर्टल बताया, ऐसे इनवाइस का भी पोर्टल है। ये इस इनवाइस के पोर्टल से आपको इनवाइस की डिटेल उस पर अपलोड करनी है तो फिर आपको IRN मिलेगा। ये किसके केस में है, ये उस केस में है जब आपकी ई इनवाइसिंग मैंडेटरी है। ई इनवाइसिंग मैंडेटरी किस केस में, जब आपकी 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है तो आपको ई इनवाइस करना बनाना मैंडेटरी है, ई इनवाइस बनाना मैंडेटरी है, तो आप अपलोड करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन इनवाइस की, इनवाइस के पोर्टल पर, और वहां से एक IRN इनवाइस रेफरेंस नंबर मिलेगा, नंबर मिलेगा, फिजिकल कॉपी की बात नहीं करें, नंबर मिलेगा, तो आप इनवाइस की कॉपी की जगह IRN लेकर चल सकते हैं। हाँ जी, ये किसको लेकर चलना है, ये PIC को लेकर चलना है। PIC कौन है, पर्सन इंचार्ज, पर्सन इंचार्ज को लेकर चलना है। यहां पे मैं कन्वेंस लिखा है, मैंने ये रूल 138 कन्वेंस की बात करता है, क्योंकि गुड्स की मूवमेंट ट्रक, शिप, एयर, रेल, किसी के थ्रू भी हो सकती है ना। तो ये जो कन्वेंस का पर्सन इंचार्ज है, जैसे ट्रक के केस में ड्राइवर है, वेसल के केस में मास्टर ऑफ वेसल होता है, एयरक्राफ्ट के केस में पायलट होता है, तो पर्सन इंचार्ज ऑफ अ कन्वेंस, उसे ये डॉक्यूमेंट और डिवाइसेस अपने साथ लेकर चलने हैं, डॉक्यूमेंट और डिवाइस। अभी हम एक बार ट्रक वाले का एग्जांपल ही लेकर चलते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या लेकर चलने हैं, इनवाइस। अगर ई इनवाइसिंग आपके लिए मैंडेटरी है, 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, तो आप इनवाइस की जगह ऑप्शनल है, आप IRN नंबर लेकर चल सकते हो, फिजिकल इनवाइस की कॉपी लेकर चलने की जरूरत नहीं है, फिजिकल कॉपी लेकर चलने की जरूरत नहीं है। अगर 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है तो आपके पास IRN होगा, तो IRN आप लेकर, IRN नंबर ही लेकर चल सकते हो आप। अगर 100 करोड़ से कम की टर्नओवर है तो आपको फिजिकल कॉपी ही इनवाइस की लेकर चलनी पड़ेगी, फिजिकल कॉपी ही इनवाइस की लेकर चलनी पड़ेगी। तो ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट इनवाइस, बिल ऑफ सप्लाई, चलान हो गया, साथ में एडिशनल डॉक्यूमेंट जो आपको लेके चलना है वो हो गया ई वे बिल, वो क्या हो गया, ई वे बिल। इसका भी आप नंबर या फिजिकल कॉपी कोई भी लेकर चल सकते हैं, इवन इनवाइस पर भी ई वे बिल नंबर आप लिख दो, उससे भी बात बन जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ई वे बिल नंबर होगा वो अगर ऑफिसर कहीं रोकता है, ई वे बिल नंबर है तो उसमें सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, वो उसको डालेगा अपने पोर्टल पे, सारा पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या गुड्स है, सारी डिटेल आ जाएगी उसके पास। अच्छा, ये तो ही डॉक्यूमेंट की बात, अब हम डिवाइसेस की बात करते हैं। डिवाइस है RFID, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस है,
ये क्या है, ये आपके ट्रक पर, आपके कन्वेंस पर लगी होगी। जैसे अभी क्या होता है, कुछ जो टोल टैक्स कलेक्ट करने वाले नाके थे, आपने देखा ना, वहां पर वो फ्री हो गए हैं, अब टोल टैक्स वाले नाकों पे नहीं है कोई। लेकिन आपकी गाड़ी गुजरती है उस टोल प्लाजा से, उनको पता लग जाता है, क्योंकि ऊपर डिवाइस लगी हुई है, वो उसको रीड कर लेती है और आपका पेमेंट कट जाती है, टोल आपका टोल कट जाता है। सेम वे ऐसे कुछ बड़े ट्रांसपोर्टर के केस में, उनके ट्रक्स पर, उनके कन्वेंस पर हम RFID डिवाइस लगाएंगे, और जैसे ही वो RFID रीडर लगे होंगे कई जगह पर, जैसे ही वहां से क्रॉस करेंगे तो पता लग जाएगा। उस पे क्या होगा, इस पे ई वे बिल मैप होगा, इस RFID पर ई वे बिल मैप होगा, तो उस ई वे बिल नंबर उस डिवाइस को पता लगेगा और उसे पता लग जाएगा क्या क्या माल जा रहा है इसमें। ठीक है, तो अभी ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हुआ RFID वाला, तो इसे हम ज्यादा और डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, अभी डिटेल में डिस्कस तो करना बाकी है। तो सबसे पहले आपने ई वे बिल बनाया, ई वे बिल बनाने के बाद अब जब आप माल लेके जा रहे हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट लेकर चलनी है और कुछ डिवाइस लेकर चलनी है। डिवाइस क्या है, RFID जिस पे ई वे बिल मैप होगा। डॉक्यूमेंट क्या है, एक है प्राइमरी डॉक्यूमेंट, दूसरा एडिशनल डॉक्यूमेंट। प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है अगर टैक्सेबल सामान है तो इनवाइस, और एग्जाम सामान है तो बिल ऑफ सप्लाई, और अगर आपका माल बिना सप्लाई के जा रहा है, रिमूव हुआ, तो आपका डिलीवरी चला, एडिशनल डॉक्यूमेंट ई वे बिल है। ठीक है, और अगर आपकी 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है तो आपने ई इनवाइस बनाया होगा, तो आप IRN लेकर चल सकते हो, फिजिकल कॉपी इनवाइस की जगह आप IRN लेकर चल सकते हो। ठीक है, और ई वे बिल की भी आप फिजिकल कॉपी या नंबर लेकर चल सकते हो। अब ये डॉक्यूमेंट और डिवाइस क्यों लेके जा रहा है ट्रक वाला साथ में, क्योंकि रस्ते में इसे रोका जाएगा, इंटरसेप्ट किया जाएगा, जो ही रोका जाएगा इसे ई वे बिल मांगा जाएगा, जो ही रोका जाएगा। उनको किससे मतलब है, उन्हें ई वे बिल से मतलब है। हाँ जी, लेकिन ये ई वे बिल और RFID हम नहीं मैंडेटरी कर रहे हैं रेल एयर वेसल के केस में। रेल एयर वेसल के केस में हम ये साथ में बोल रहे हैं कि साथ में लेकर मत चलना, कोई जरूरी नहीं है। रीजन सुनो, क्योंकि ई वे बिल बनाने के लिए पार्ट बी भरना पड़ता है, पार्ट बी भरने के लिए मेरे को रेलवे से जो सामान भेज रहा हूं, मेरे को रेलवे रिसिप्ट नंबर चाहिए। जब मैं माल उनको देता हूं तो वो रेलवे रिसिप्ट देते हैं, तो मैं गुड्स की मूवमेंट से पहले पार्ट बी भर ही नहीं पाऊंगा। ऐसे एयर के केस में मेरे को एयरवे बिल नंबर मिलेगा जब मैं उनको माल डिलीवर करूंगा, जब वो एयरवे बिल नंबर मेरे को मिलेगा ही तभी जब मैं उनको माल डिलीवर करूंगा, तो गुड्स की मूवमेंट से पहले तो मेरे पास एयरवे बिल नंबर ही नहीं है। वेसल के केस में एक बिल ऑफ लेडिंग नंबर मिलता है, बिल ऑफ लेडिंग मिलता है जो ट्रांसपोर्ट के डॉक्यूमेंट हैं, तो इसमें बिल ऑफ लेडिंग नंबर मेरे पास होगा ही नहीं गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले। इसलिए इन्होंने बोला, आप अगर रेल एयर वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ई वे बिल RFID जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ठीक है, ई वे बिल यहां पर जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें आप आगे पढ़ेंगे, जब ये आपने माल दे दिया, अब तो आ गया ना ये आपके पास में रेलवे रिसिप्ट नंबर, पार्ट भी भरने के लिए डिटेल मिल गई ना। अब तो जब आपने माल रेलवे को, एयर को, एयरवेज को, एयरलाइंस को, वेसल वालों को दे दिया, शिपिंग कंपनी को दे दिया, अब तो आपके पास आ गया ना वो ये रेलवे रिसिप्ट नंबर, एयरवे नंबर, और वो वेसल के लिए बिल ऑफ लेडिंग नंबर। अब आप इसके बेसिस पे पार्ट भी भर लो, पहले प्रॉब्लम थी ना, अब ये डिटेल मिलने के बाद अब आप पार्ट भी भरेंगे और अपना ई वे बिल नंबर जनरेट करेंगे। अब जब आप माल लेने जाओगे रेलवे से, रेलवे वाले तभी देंगे जब आप उनको ई वे बिल नंबर दिखाओगे, बिना ई वे बिल के नंबर के आपको रेलवे वाले माल नहीं देंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम साथ में, हमने कन्वेंस वाले को बोला तू पर्सन इंचार्ज मत लेकर चलियो, प्रैक्टिकल दिक्कत देखते हुए। पर्सन इंचार्ज रेल एयर वेसल को हमने बोला तू मत ई वे बिल लेकर चलियो, क्योंकि उस समय बना ही नहीं होगा। लेकिन ये पार्ट बी की डिटेल उसके पास भरने के लिए नहीं थी, ट्रांसपोर्ट की कन्वेंस की डिटेल उसके पास भरने के लिए नहीं थी। जैसे ही ये डिटेल मिली तो वो पार्ट बी बना लेना आप, और डिलीवरी तभी मिलेगी रेलवे से जब आप ये
ईवेबल नंबर दिखाओगे। अच्छा, इंपोर्ट के केस में आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट कैरी करना, बिल ऑफ एंट्री। आप जानते होंगे, कस्टम पढ़ाया आपने, इंपोर्ट के केस में इंपोर्टर को जो डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है वो क्या होता है? बिल ऑफ एंट्री। तो ये बिल ऑफ एंट्री लेकर चलनी पड़ेगी। मेरा क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, हमने गुड्स की मूवमेंट पर, गुड्स की मूवमेंट अगर 50,000 से ऊपर की है तो उस पर ईवेबल मैंडेटरी किया है। आपने माल इंपोर्ट किया, कस्टम पोर्ट पर आया, माल इंपोर्ट किया कस्टम पोर्ट पर आया, कस्टम पोर्ट से आप अपनी प्रीमाइसेस पर सामान लेके आ रहे हो 50,000 से ऊपर का है, क्या ईवेबल बनाना है? कस्टम पोर्ट पर माल आया और वहां से आप अपनी प्रीमाइसेस पर लेके आ रहे हो, वो कह रहा है गुड्स की मूवमेंट जब एक जगह से दूसरी जगह होगी अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो ईवेबल बनेगा। अब गुड्स की मूवमेंट हो रही है और वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो ईवेबल बनेगा बनेगा, ठीक है जी, ईवेबल बनेगा बनेगा। तो इसलिए ईवे बिल के साथ साथ आपको बिल ऑफ एंट्री भी साथ में लेकर फिर चलनी पड़ेगी, रस्ते में चेक की जा सकती है, ठीक है जी। इसके बाद रूल 138A में हमने पीआईसी को बोला तू ये बिल और ये ईवे बिल, इनवाइस और ईवे बिल साथ में लेके जाइयो। क्यों? स्टेप नंबर 3, ये इनवाइस और ईवे बिल इसलिए साथ में लेके जाइयो, बीच रस्ते में कोई ऑथराइज ऑफिसर तेरे डॉक्यूमेंट को, तेरे कन्वेंस को चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। तो इसलिए तू उस, अब ऑथराइज ऑफिसर क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। किसको चेक करेगा? उसे ईवे बिल नंबर से मतलब है, तो ईवे बिल मांगेगा, या तो उसकी कॉपी दिखा दो या नंबर है तो नंबर दिखा दो। और अभी आरएफआईडी वाला तो प्रोविजन प्रिवेलेंट हुआ नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है, या तो आप ईवे बिल दिखा दो या आरएफआईडी अगर होगी तो वो तो खुद ही रीड कर लेंगे रीडर से। अच्छा, तो आपका ईवे बिल चेक कर लिया, क्या वो फिजिकली आपके कन्वेंस की चेकिंग करना चाहता, कर सकता है? उसे लगता है आपके ट्रक में माल ज्यादा है, ईवे बिल में जो वैल्यू दिखा रखी है वो कम है, क्या फिजिकली वो चेक करना चाहता है कन्वेंस को, कर सकता है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, कर सकता है। अच्छा, अब जो आपने आपके कन्वेंस की, आपके गुड्स की वेरिफिकेशन हुई, क्या इसकी रिपोर्ट उस ऑफिसर को ऑनलाइन अपलोड करनी है, रिकॉर्ड करनी है? जी, इंस्पेक्शन होने के 24 घंटे के अंदर अंदर, इंस्पेक्शन होने के 24 आवर्स के अंदर अंदर समरी रिपोर्ट अपलोड कर देनी है, और इंस्पेक्शन होने के 3 दिन के अंदर अंदर फाइनल रिपोर्ट अपलोड कर देनी है, फाइनल रिपोर्ट अपलोड कर देनी है। मान लीजिए 1 जुलाई को आपके ट्रक को रोका गया और इंस्पेक्शन की गई, ठीक है, तो 1 जुलाई को मानते हैं शाम या दोपहर को 2 बजे आपका ट्रक रोका गया, दोपहर को 2 बजे आपका ट्रक रोका गया, तो आप 24 घंटे कब तक होंगे, मतलब उस ऑफिसर को क्या 2 जुलाई दोपहर 2 बजे तक अपलोड कर देना है, या 2 जुलाई रात 12 बजे तक अपलोड करने के ऑप्शन है? हाँ जी, ये 24 घंटे कहां से लेने हैं? जिस दिन रोका गया उस दिन की रात 12 बजे से चेक करेंगे। तो कह रहा है 24 आवर्स या 3 डेज काउंटेड फ्रॉम मिडनाइट ऑफ द डेट व्हीकल इंटरसेप्टेड। 1 जुलाई को कितने बजे भी रोके, दोपहर को 2 बजे रोके, 3 बजे रोके, 4 बजे रोके, 5 बजे रोके, सुबह रोके, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा जो 24 घंटे पहले वाला 24 घंटे समरी रिपोर्ट के लिए कंप्लीट होगा वो रात 2 जुलाई की रात 12 बजे तक कंप्लीट होगा। 1 जुलाई दोपहर 2 बजे रोका, 2 जुलाई दोपहर 2 बजे तक नहीं, 2 जुलाई रात 12 बजे तक समरी रिपोर्ट अपलोड करनी है, ठीक है। तो पहले वाला जो दिन आपका होगा वो ज्यादा मिल जाएगा। 1 जुलाई रात को 9 बजे रोका तो भी आपको 2 जुलाई रात 12 बजे तक, 2 जुलाई रात 12 बजे तक, ठीक है। तो आपके पास 24 घंटे या 3 दिन, अगेन ये कब से काउंट किए जाएंगे? मिडनाइट ऑफ डेट व्हीकल एंटर, जिस दिन रोका है उसकी रात 12 बजे से टाइम शुरू होगा, चाहे 3 दिन हो या आपके 24 घंटे हो, ठीक है, या 24 घंटे हो। नेक्स्ट, 138C के बाद 138D, ये तो इंफॉर्मेशन की बात होगी। ट्रक वाला परेशान है, उसको उसने ईवे बिल भी बना रखा है, सब कुछ कर रखा है, फिर भी उसे परेशान किया जा रहा है, तो उसे एक ऑप्शन दी, सुन भाई, अगर तेरे को 30 मिनट से ज्यादा, आधे घंटे से ज्यादा रोका जाता है तो तू अपलोड कर दे उसकी इंफॉर्मेशन कि मेरे व्हीकल को
30 मिनट से ज़्यादा रोक रखा है, अननेसेसरी मेरे को परेशान किया जा रहा है। तो ये एसएससी के लिए बेनिफिट है, ये एसएससी के लिए क्या है, ये बेनिफिशियल है। हाँ जी, इस बार एक और रूल आ गया है जो इस अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट है, वो है आपका ई वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप ई वे बिल बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, वो क्या है नेक्स्ट ब्लॉकिंग का, मैं ब्लॉकिंग पे बाद में आऊं, एक बार फटाफट से चाहूंगा एक बार सारे के सारे आप फिर से रिवाइज करेंगे। रूल 138 तो कहता है मूवमेंट से पहले ई वे बिल बना लो। ई वे बिल कैसे बनता है, ई वे बिल बनता है पार्ट ए भरने पर यूनिक नंबर मिलता है, उसके 15 दिन में पार्ट बी भरना होता है, पार्ट बी भरने पे ई वे बिल नंबर मिलता है। तो ये आपने बना लिया ई वे बिल। अब इसकी कनेक्टिविटी, ये जो ई वे बिल बना लिया, अब इसको आप साथ में लेकर चलो और इनवॉइस को, आपको कन्वेंस को क्या लेके चलना है, इनवॉइस और ई वे बिल, या बिल ऑफ सप्लाई और ई वे बिल, या चलान और ई वे बिल। इनवॉइस की जगह आई आर एन भी हो सकता है और ई वे बिल, तो दो ही तो डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस और ई वे बिल, या बिल ऑफ सप्लाई और ई वे बिल, ये डिपेंड करता है कि आपका टैक्सेबल सामान है कि एग्जम्प्ट सामान है। तो इनवॉइस और ई वे बिल ये आपको साथ में लेकर चलना है। हाँ, लेकिन ये ई वे बिल आरएफआईडी नहीं लेकर चलनी, ये डिवाइस और ये ई वे बिल नहीं लेकर चलना अगर आप रेल एयर वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री लेकर चलनी है। नेक्स्ट, क्यों लेकर चले थे, रस्ते में रोका जा सकता था 138 बी में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को आपको बीच में इंटरसेप्ट किया गया, तो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट में उनको क्या चेक करना है, ई वे बिल से मतलब है मेन, तो डॉक्यूमेंट वो ई वे बिल नंबर मांगेंगे, उसको चेक करेंगे, क्या आपके कन्वेंस को भी चेक कर सकते हैं जी। अब जो चेकिंग की गई स्टेप नंबर 4 138 सी, क्या इसकी रिपोर्ट उनको डालनी है, इंस्पेक्शन के 24 घंटे के अंदर सब समरी रिपोर्ट ऊपर अपलोड करनी है उनको, और इंस्पेक्शन के 3 दिन के अंदर अंदर फाइनल रिपोर्ट। ये 3 दिन वाला पीरियड फर्दर आगे 3 दिन के लिए एक्सटेंड भी हो सकता है। 24 घंटे और 3 दिन कब से देखना है, जिस दिन आपके व्हीकल को रोका गया, जिस दिन आपके कन्वेंस को रोका गया, उसके रात 12 बजे से। नेक्स्ट 138 डी, ये क्या बोलता है जी, ये कहता है कि अगर ट्रक वाले को परेशान किया गया है, उसके व्हीकल को ज्यादा समय के लिए रोका गया, 30 मिनट से ज्यादा, आधे घंटे से ज्यादा रोका गया, तो वो कंप्लेन कर सकता है आपकी। नेक्स्ट ब्लॉकिंग, हम आपको ई वे बिल ही नहीं बनाने देंगे अगर तुम चोरी चकारी में इन्वॉल्व हो। ये कैसे पता लगेगा कि हम चोरी चकारी में इन्वॉल्व है जी, ये कैसे पता लगेगा कि हम चोरी चकारी में इन्वॉल्व है, अगर आप अपने रिटर्न नहीं जमा करा रहे हो। GSTR 3B जो कि मंथली रिटर्न है, वो आपने 2 महीने की लगातार नहीं जमा कराई, ई वे बिल आपका ब्लॉक हो जाएगा, आप बना ही नहीं पाओगे, ई वे बिल आप बना ही नहीं पाओगे। अगर आप कंपोजिशन वाले हैं तो 2 क्वार्टर का आपका टैक्स CMP 08 जाता है आपका, 2 क्वार्टर की अगर आपकी CMP 08 जिसमें आप टैक्स जमा कराते हैं अगर वो नहीं गई, तो हम आपका कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन तुम्हारे केस में ई वे बिल ब्लॉक कर देंगे। एक और नया है क्या, देखेंगे, ई वे बिल ब्लॉकिंग होगी, पहला अगर कंपोजिशन वाला है तो 2 कंजेक्यूटिव क्वार्टर्स, 2 लगातार क्वार्टर्स की CMP 08 जिससे कि आपका टैक्स जमा होता है अगले महीने की 18 तारीख तक, वो नहीं जमा हुई। अगर आप नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन हैं तो आपकी 2 महीने की लगातार GSTR 3B जिससे आपका टैक्स जाता है वो जमा नहीं हुई। या एक और आया है कि या फिर आपने नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन हो, आपने अपनी GSTR 1 जो सेल की डिटेल जाती है इनवॉइस वाइज, सेल की डिटेल जाती है जो इनवॉइस वाइज, वो कोई भी 2 महीने की, और अगर आपकी क्वार्टरली GSTR 1 जाती है तो कोई भी 2 क्वार्टर की अगर आपकी GSTR 1 नहीं गई है, तो ये सेल की डिटेल है, इससे टैक्स नहीं जाता। ये पहले 2 से तो टैक्स जमा होता था नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के लिए, तो 3B जो रिटर्न है उसके साथ आपको टैक्स भी जमा कराना होता है, या ये कंपोजिशन वाला CMP 08 के थ्रू टैक्स जमा कराता है, तो ये टैक्स यहां से जाता है, GSTR 1 से टैक्स नहीं जाता, ये सेल की डिटेल है इनवॉइस वाइज, ये इन्होंने डाल दिया। अगर आपने 2 महीने की या कोई 2 क्वार्टर की, ये क्वार्टरली कब जाती है, 1.5 करोड़ से कम की टर्नओवर है आपकी तो आप क्वार्टरली GSTR 1 जमा कराते हैं, 1.5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है तो आप मंथली GSTR 1 जमा कराते हैं। तो ये सेल की डिटेल इनवॉइस वाइज जाती है इसमें, अगर ये नहीं जमा कराई कोई भी 2 महीने की या क्वार्टर की,
तो आपका ई वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक हो जाएगा, मतलब आपका बिजनेस रुक गया। अब आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि गुड्स की मूवमेंट के लिए ई वे बिल चाहिए, वो आप बना ही नहीं पा रहे हो, तो फिर क्या करें? रिटर्न जमा कराओ ना। कंपोजिशन वाले हो तो अपनी ये CMP 08 जमा करा दो, टैक्स जमा कराओ अपना, और अगर नॉर्मल वाले तो 3B जमा कराओ। जैसे ही आप ये सबमिट करोगे, उसके अगले ही दिन आपका ई वे बिल फैसिलिटी ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है जी। सर हम क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनको? हाँ, उन्होंने ऑप्शन छोड़ी है कि अगर उसको लगता है कि तुम जेन्युइन बंदे हो, पैसे नहीं थे इसलिए टैक्स नहीं जमा करा पाए थे, लेट हो गए इसलिए, 3B इसलिए नहीं जमा कराई आपने, तो आपको अलाउ कर सकता है, आपके अनब्लॉक कर सकता है। हाँ जी, क्या हम ई वे बिल नहीं बना पा रहे हैं? हमारे पास एक ऑप्शन थी, हम ट्रांसपोर्टर इको कुरियर एजेंसी को ऑथराइज कर सकते थे। अगर मेरा ई वे बिल की फैसिलिटी ब्लॉक हो गई, क्या मैं ट्रांसपोर्टर इको कुरियर एजेंसी से बनवा सकता हूं? नहीं, उसके थ्रू भी नहीं बनवा पाओगे, क्योंकि पार्ट ए में आपका सप्लायर का GST लिखना होता था ना, वहां वो ब्लॉक हो गया, वो भरने नहीं देगा आगे। तो अगर आपका ई वे बिल ब्लॉक, आपको ब्लॉक कर दिया गया है, तो आप ऐसा सोचो कि ट्रांसपोर्टर इको कुरियर एजेंसी को मैं ऑथराइज कर सकता था पार्ट ए भरने के लिए, उसी से बनवा लेता हूं, वो भी पॉसिबल नहीं है। एक बार आपका ब्लॉक हो गया, तो आप जब तक अनब्लॉक नहीं कराओगे तब तक आप ई वे बिल नहीं बना पाओगे। तो अनब्लॉक कराने का क्या तरीका है? अनब्लॉक कराने का तरीका है कि अपनी 3B जमा करा दो, अपना CMP 08 जमा करा दो, तो ही हो सकता है। ठीक है जी। तो एक ओवरव्यू आ गया आपके पास। अब हम 138A डिटेल में डिस्कस करें। हाँ जी, एक और मैं आपको दिखाऊं, आप ई वे बिल की साइट पर जाएंगे तो आपको ना एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी मिलेगा, ये मैंने वहीं से लिया। जब आपकी ब्लॉकिंग होती है तो आपको ऐसे मैसेज, दो तरीके के मैसेज आ सकते हैं, जब आपकी ब्लॉक हो गया है और आप भरने की कोशिश करते हैं, एरर दिखाएगा। क्या बोलेगा? तुमने अपनी GSTR 3B नहीं भरी है, दो कंजिक्यूटिव मंथ की, इसलिए आपका GSTN ब्लॉक हो गया है, आपका GSTN ब्लॉक हो गया है, या फिर ऐसा मैसेज दिखा सकता है कि तो आपको दिखने में नहीं आ रहा होगा। तो ब्लॉक होता है तो आपको ये ऐसे मैसेज दिखाता है। ठीक है। अब अनब्लॉकिंग कैसे होगी? अनब्लॉकिंग का तरीका यही है कि आप अपने रिटर्न जमा कराओ, तो उसके बाद अगले ही दिन क्या होगा, आपका अनब्लॉक हो जाएगा। अगर ना हो तो सर, तो उसमें पोर्टल पर अपडेट अनब्लॉक स्टेटस के नाम से ऐसे एक ऑप्शन आती है, वहां पे आप क्लिक करके आप आगे फॉलो कर सकते हैं। वो डिटेल मांगेगा आपसे, तो उसका ऑटोमेटिक आपका अनब्लॉक हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं फिर आगे। हाँ जी, अब मैं आपको दिखाता हूं। हाँ जी, ई इनवाइसिंग के बारे में तो बताने की जरूरत है नहीं, मैंने आपको वहां दिखाया ही है अच्छे से। तो अब मैं आपको रूल 138A दिखाता हूं फटाफट से। रूल 138A, अब इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। रूल 138A ये क्या कहता है? सप्लायर रिसीपिएंट के पास जब भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है, तो इसने क्या बनाया होगा भाई, जिसने भी गुड्स की मूवमेंट करी है, चाहे सप्लायर ने या रिसीपिएंट ने, इन्होंने ई वे बिल बनवाया होगा। तो ये ई वे बिल जो अब ये आप ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेज रहे हो, हम एग्जांपल ट्रक वाले का लेकर ही चल रहे हैं, जो पर्सन इंचार्ज होगा ना कन्वेंस का, वो अपने साथ कैरी करके चलेगा क्या क्या? इनवाइस और ई वे बिल। प्राइमरी क्या है? इनवाइस और ई वे बिल। अगर एग्जाम समान है तो बिल ऑफ सप्लाई और ई वे बिल। ठीक है, तो ये उसको लेकर चलना है PIC को, और बिल इंपोर्ट है तो बिल ऑफ एंट्री साथ में लेकर चलनी है। हाँ जी, अभी ई वे बिल के साथ एक ऑप्शन है क्या, RFID की, वो वाली अभी एक्टिवेट प्रैक्टिकली नहीं हुई है, तो उसे डॉक्यूमेंट लेके चलना होता है और डिवाइस लेकर चलनी होती है। ये डिवाइस क्या है? RFID। ये RFID किसके लिए आएगी? कुछ नोटिफाइड बड़े ट्रांसपोर्टर्स के लिए, कि उनको अपने ट्रक पे RFID इंस्टॉल कराना है। अभी प्रैक्टिकली ये इफेक्टिव नहीं हुआ है। तो अब हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर में। तो डॉक्यूमेंट क्या लेकर चलने होते हैं? ये अगर आप टैक्सेबल सामान बेच रहे हो तो इनवाइस,
एग्जाम सामान बेच रहे हो तो बिल ऑफ सप्लाई, सप्लाई ही नहीं है तो डिलीवरी चला, इंपोर्ट है तो बिल ऑफ एंट्री। ये है आपका प्राइमरी डॉक्यूमेंट, प्राइमरी डॉक्यूमेंट। और अगर आप इनवाइस की जगह आईआरएन लेकर चल सकते हैं, अगर आप ई इनवाइस आपके लिए जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस पोर्टल के थ्रू बनाना जरूरी है। तो ये हो गया प्राइमरी डॉक्यूमेंट। तो इस इनवाइस के साथ में क्या लेकर चलना है, इस इनवाइस के साथ में आपको ई वे बिल लेकर चलना है, या तो उसका नंबर या फिजिकली, ठीक है, फिजिकली। तो रूल 138 कहता है ये पीआईसी को लेकर चलना है। क्यों क्यों लेकर चलना है? क्योंकि रास्ते में चेक हो सकता है, ठीक है। आप ई इनवाइस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जी ई इनवाइस के बारे में बताता हूं। साथ में मैंने लिखा ये ई वे बिल नहीं लेकर चलना, किस केस में? रेल एयरक्राफ्ट वेसल के केस में। क्यों? क्योंकि ई वे बिल बना ही नहीं होगा, क्योंकि पार्ट बी में डिटेल भरने के लिए थी ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे ई वे बिल के बारे में। सप्लायर, ये जीएसटी आईएनवी 01 इनवाइस 01 एक फॉर्मेट है, इसमें इनवाइस पोर्टल पर डिटेल अपलोड करेगा, ये इस पर पोर्टल पर डिटेल अपलोड करेगा। जैसे ही, कौन किसकी बात कर रहे हैं? ई इनवाइस की। ई इनवाइस किसकी? जिसकी 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, तो आयरन लेना होता है उसको। आयरन कैसे मिलता है? सप्लायर, जैसे रिलायंस है, रिलायंस ने इनवाइस के पोर्टल पर डिटेल अपलोड करी, इनवाइस की कुछ डिटेल अपलोड करी। इनवाइस यहां से बनाए ये जरूरी नहीं है, इनवाइस जैसे आप बना रहे हो वैसे बनाते रहो, लेकिन इनवाइस की डिटेल अपलोड करनी है। जैसे आपने इस पर डिटेल अपलोड करी तो आपको एक आयरन नंबर मिलेगा, साथ में क्यूआर कोड भी मिलता है। क्यूआर कोड के बारे में हम इनवाइस के चैप्टर में डिस्कस कर चुके, अब मैं सिर्फ यहां आयरन की बात करता हूं। आयरन आपको मिल गया, ये जनरेट किया आपने जो आयरन, यही आयरन आप लेकर चल सकते हैं इनवाइस की फिजिकल कॉपी की जगह। तो आपको फिजिकली लेकर नहीं चलने पड़ेगा, अगर आपकी 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है तो, 100 करोड़ से कम किया तो फिर आपको आयरन की जरूरत है नहीं, तब इनवाइस फिजिकली लेकर चलना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैंने ये इनवाइस की डिटेल अपलोड कर दी, तो याद करो जो हमारा ई वे बिल का पार्ट ए था, क्या उसमें इनवाइस की डिटेल जाती थी, गुड्स की कंसाइनमेंट की डिटेल जाती थी? जी हाँ, अगर आपने इनवाइस की डिटेल इसमें डाल दी तो आपका ई वे बिल का पार्ट ए ऑटोमेटिक बन जाएगा। ई वे बिल का पार्ट ए, ईडब्ल्यूबी मतलब ई वे बिल, तो इसका पार्ट ए ऑटोमेटिक बन जाएगा, पार्ट ए ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ये हुई हमारी रूल 138 ए की बात, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ई इनवाइस के बारे में दिया है, ई इनवाइस में दिखाना नहीं चाहता, हम पढ़ चुके हैं। मैं तो एक बार रूल 138 ए रीड करा दूं आपको। हाँ जी, रूल 138 ए रीड करा दूं। जी सर, पेज नंबर 17.19 पे आ जाइए, जिसमें आप पढ़ेंगे कि पर्सन इंचार्ज को अगर ई वे बिल बन गया है तो पर्सन इंचार्ज ट्रक वाला इनवाइस की कॉपी और ई वे बिल की कॉपी साथ में लेकर चलेगा। ई वे बिल की जगह आरएफआईडी हो सकता था, अभी प्रैक्टिकली एक्टिव नहीं हुआ है, तो इनवाइस की कॉपी और ई वे बिल की कॉपी, ई वे बिल फिजिकली या नंबर। तो इनवाइस में क्या क्या हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकती है, इनवाइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलान या बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। तो आइए अब हम इसे पढ़ते हैं पेज नंबर 19 पर। अपनी मेन बुक में आ जाइए पेज नंबर 19 पर, रूल 138 ए क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट्स, और दूसरा क्या बोल रहा है? डिवाइसेस। आपको डॉक्यूमेंट लेकर चलनी है, डिवाइस लेकर चलनी है। डिवाइस मतलब बोले तो आरएफआईडी। किसे लेकर चलनी है? पर्सन इंचार्ज को ऑफ अ कन्वेंस, एग्जाम्पल ड्राइवर की बात कर रहे हैं हम, ड्राइवर को लेकर चलनी है। कन्वेंस का ड्राइवर, ये कन्वेंस में शिप भी आ सकता है, तो वहां पर शिप में मास्टर आता है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़े। पीआईसी शेल कैरी, पीआईसी शेल कैरी इनवाइस, एक तो ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, ये लेकर चलना है। इनवाइस कब होगा? जब टैक्सेबल सामान होगा, टैक्सेबल गुड्स होंगे तो। इनवाइस कब होगा? जब टैक्सेबल गुड्स होंगे। बिल ऑफ सप्लाई कब होगा? जब एग्जम्प्ट गुड्स होंगे। डिलीवरी चलान कब होगा? जब आपका अदर देन रिमूवल, अदर देन सप्लाई होगा।
रिमूवल ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई। ठीक है, तो आपको क्या लेकर चलना है, ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट लेकर चलना है। हाँ जी, इस इनवाइस की जगह अगर आप ई इनवाइसिंग बनाना जरूरी है, अगर आपको ई इनवाइस बनाना जरूरी है, तो आप इसकी जगह IRN लेकर चल सकते हैं। फिजिकल इनवाइस की कॉपी लेकर चलने की जरूरत नहीं है, पर्सन इंचार्ज को इनवाइस फिजिकल कॉपी की जगह IRN लेकर चल सकता है। ये बात कहां बताई है, ये पॉइंट नंबर टू में देखें। इनवाइस के पोर्टल पर आप इनवाइस की डिटेल डालो तो आपके पास क्या आ जाएगा, IRN। तो देखें सेकंड पॉइंट, अब रजिस्टर्ड पर्सन मे ऑब्टेन IRN इनवाइस रेफरेंस नंबर। From the common portal by uploading, तो invoice के portal की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, invoice के portal की बात हो रही है, उसे भी हम common portal बोलते हैं। By uploading on the said portal a tax invoice issued by him in form GST INV 01, तो इसमें कुछ डिटेल डालिए आप GST INV 01 में, and produce the same for verification by the proper officer, तो आपको ये IRN मिल जाएगा। Produce the same प्रोफेसर इन लियो ऑफ टैक्स इनवाइस, तो ये इन लियो ऑफ टैक्स इनवाइस है। तो हम बोल रहे थे ना फिजिकल कॉपी की जगह आप IRN लेकर चल सकते हैं, ये यहीं से बोल रहे थे। तो फिजिकल इनवाइस, ये इन लियो ऑफ टैक्स इनवाइस, इनवाइस की फिजिकल कॉपी की जगह, फिजिकल कॉपी की प्लेस पर, कॉपी की जगह IRN कैरी, आप IRN साथ में लेकर चले, अपने पास मोबाइल में हो उससे भी काम चल जाएगा। सच नंबर, वो नंबर कितने समय के लिए वैलिड रहता है, 30 दिन तक। ठीक है, और अगर आपने ये इनवाइस अपलोड कर दी तो फिर आपका पार्ट ए, ईवे बिल का पार्ट ए ऑटोमेटिक बन जाएगा, उसी बेस, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही बन जाएगा, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं वापस। तो उसने क्या बोला था, उसने बोला था अगर आप पर्सन इंचार्ज ऑफ कन्वेंस इन, ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट की कॉपी लेकर चलो, इनवाइस बिल ऑफ सप्लाई डिलीवरी चला। दूसरा, आप अपने साथ क्या लेकर चलो, आप अपने साथ लेकर चलो ई वे बिल इन फिजिकल फॉर्म या नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, या RFID पर मैप हो, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस एम्बेडेड ऑन द कन्वेंस, RFID इसे हम बोला करते हैं। हाँ जी, इस RFID को नीचे कनेक्ट कीजिए पॉइंट नंबर फोर से, इस RFID को नीचे कनेक्ट कीजिए। ये किसे लेकर चलनी है, कमिश्नर में रिक्वायर ए क्लास ऑफ ट्रांसपोर्टर, जैसे बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं उन्हें बोल सकता है कि तुम रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस अपने ट्रक पर एम्बेड कराओ, अपने कन्वेंस पर एम्बेड कराओ, और ईवे बिल फिर उससे मैप कर दो, फिर वो टोल नाका से या जहां पे भी रीडर लगा हुआ है वहां से निकले तो उसको ऑटोमेटिक पता लग जाए। ठीक है, चलिए आगे जी। तो फिर से आइए, PIC को क्या लेकर चलना है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट इनवॉइस की कॉपी और दूसरा ई वे बिल की कॉपी। लेकिन ये ई वे बिल की कॉपी नहीं लेकर चलने की जरूरत है, बी पॉइंट से कनेक्ट कीजिए इसको, बी पॉइंट से सुपरवाइजर को कनेक्ट कीजिए। Nothing contained in clause B, B point जो ई वे बिल की बात कर रहा है या RFID डिवाइस की बात कर रहा है, ये जरूरी नहीं है। Nothing in this, ये नहीं अप्लाई होगा इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेल, एयर और वेसल। लॉजिक बताओ, ये ई वे बिल नहीं लेकर चलना रेल, एयर, वेसल के केस में, क्यों? तो ई वे बिल या RFID नॉट नेसेसरी किसके लिए, ये इसके लिए, रेल के लिए, वेसल के लिए, एयर के लिए। लॉजिक क्या है, रीजन क्योंकि पार्ट बी भरने के लिए डिटेल नहीं थी, क्योंकि ई वे बिल का पार्ट
बी भरने के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पार्ट बी भरने के लिए क्या चाहिए होता है? रेलवे के लिए रेलवे रिसिप्ट नंबर चाहिए होता है, रेलवे रिसिप्ट नंबर नहीं था। रेलवे रिसिप्ट नंबर वो तब मिलता है जब आप गुड्स उनको देते हैं। रेलवे रिसिप्ट नंबर, या फिर आगे लिखूं, ए रेल के बाद मैंने वेसल लिखा, शिप के लिए या वेसल के लिए बिल ऑफ लेडिंग नंबर, बिल ऑफ लेडिंग नंबर, और एयर के लिए एयर वे बिल नंबर नहीं था, बिल नंबर नहीं था, इसलिए वो ई वे बिल बन ही नहीं सकता था। ई वे बिल बन ही नहीं सकता था तो कहां से कैरी करके चलेंगे ये, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर, इंपोर्ट के केस में पर्सन इंचार्ज को साथ में बिल ऑफ एंट्री भी लेकर चलनी है, बिल ऑफ एंट्री भी लेकर चलनी है। ठीक है जी, चले आगे जी, ये हो गया नोट, तो चलिए आगे। लास्ट पॉइंट रह गया अब इसमें क्या, अगर ऑफिसर को लगता है ये ई वे बिल की जगह वो कह सकता है कि तुम सिर्फ इनवाइस की कॉपी लेकर चलो या बिल ऑफ सप्लाई की कॉपी लेकर चलो। देखो जी आगे पांचवा पॉइंट पढ़ें, नोटिफिकेशन एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लोज बी वेयर सर्कमस्टेंसेस वारंट कमिश्नर मे बाय नोटिफिकेशन रिक्वायर पर्सन इन चार्ज टू कैरी डॉक्यूमेंट्स इंस्टेड ऑफ ई वे बिल। क्या टैक्स इनवाइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चला। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद 138A करने के बाद 138B पर। ये हो गया, अब 138B पे आते हैं, उसको भी डिटेल में समझाऊं पहले जी, स्लाइड से दिखाता हूं फिर यहां से पढ़ेंगे। हो गया ना नोट आपका जी, तो आइए 138B पर। ये ई इनवाइस के लिए मेरे पास चार्ट था, ये मैंने इनवाइस के साथ आपको कराया ही है, तो ई इनवाइस का चार्ट मेरे हिसाब से मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर हो तो ई इनवाइस बनाना होता है, लेकिन अभी उन्होंने ई इनवाइस से एग्जम्प्ट कर दिया है। एक बार मैं शॉर्ट में दिखा दूं आपको, आपने वहां किया था, 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर हो तो ई इनवाइस बनाना होता है, साथ में इस पर क्यूआर कोड भी बनता है, लेकिन ये अभी इनको माफ कर रखा है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस, या मल्टीप्लेक्स स्क्रीन से जो टिकट काटते हैं मूवी की। चलो एनी हाउ, ये हमने इनवाइस के चैप्टर में किया था, अब मैं आ रहा हूँ रूल 138B पर। ओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट से 138B। ये क्या कहता है जी, सुनो जी सुनो, सप्लायर जब गुड्स की मूवमेंट कर रहा है रेसिपिएंट को, तो अब ट्रांसपोर्टर पर्सन इन चार्ज अपने साथ इनवाइस और ई वे बिल की कॉपी लेकर चला, क्या लेकर चला फिर से बताना, PIC अपने साथ डॉक्यूमेंट लेकर चला है, इनवाइस और ई वे बिल की कॉपी, साथ में आप ये समझ लो बिल ऑफ सप्लाई एक्सेट्रा, इनवाइस या ई इनवाइस है तो आयरन लेकर चला है, तो ये इनवाइस और ई वे बिल की कॉपी लेकर चला है। अब बीच में ओ क्या किया, बीच में देखो देखो, रोक दिया रोक दिया रोक दिया, इंटरप्ट किया, उसे बोला प्रॉपर ऑफिसर ने इंटरप्ट किया, रोक दिया रोक दिया रोक दिया, रुक जा भाई रुक जा, हाथ दे दिया रुक जा, कहां जा रहा है, कौन रोक सकता है, कमिश्नर द्वारा अथोराइज्ड बंदा, अथोराइज्ड बाय कमिश्नर, प्रॉपर ऑफिसर जो कमिश्नर ने अथोराइज कर रखा है, या कमिश्नर ने जिस ऑफिसर को अनपावर कर रखा है उसने अथोराइज कर रखा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर से सुनिए फिर से सुनिए, कौन बंदा रोक सकता है ये चेकिंग करने के लिए, ये मूवमेंट में बीच रास्ते में कौन रोक सकता है, प्रॉपर ऑफिसर जो कमिश्नर द्वारा ऑथराइज है, या कमिश्नर ने जिसको एम्पावर कर रखा है उसने इस ऑफिसर को ऑथराइज कर रखा है। ठीक है, कमिश्नर जिसे एम्पावर कर रखा है उसने इसे ऑथराइज कर रखा है। ओके, क्या करेगा ये, डॉक्यूमेंट चेक करेगा, डिवाइस चेक करेगा, या फिजिकली भी गुड्स को चेक कर सकता है। क्या 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 क्या, आपके डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है। डॉक्यूमेंट में मेनली उसे क्या चेक करना है, ई वे बिल से मतलब है, फिजिकली या ई वे बिल नंबर, डॉक्यूमेंट से क्या मतलब है, और डिवाइस मतलब RFID, डिवाइस मतलब RFID, तो वो डॉक्यूमेंट या डिवाइस चेक करेगा, या डॉक्यूमेंट ये उसने ई वे बिल चेक कर लिया, अब वो चाहता है आपका फिजिकली, फिजिकली क्या चेक करना चाहता, कन्वेंस चेक करना चाहता, कर सकता है कर सकता है कर सकता है, कौन करेगा ये चेक, वही ऑफिसर जिसने रोका है वही चेक करेगा। कौन चेक करेगा, जो कमिश्नर द्वारा ऑथराइज ऑफिसर है, या कमिश्नर जिसे एम्पावर कर रखा वो वाल, उसने जिसको ऑथराइज कर रखा है, क्या इसके अलावा कोई और चेक कर सकता है,
क्या इसके अलावा? हाँ, चेक कर सकता है, अदर ऑफिसर चेक कर सकता है कमिश्नर की अप्रूवल से, विद अप्रूवल ऑफ कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर, इन इस ऑथराइज ऑफिसर की परमिशन से अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है टैक्स इविजन की, तो अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है टैक्स इविजन की, तो वो इस ऑथराइज ऑफिसर की अप्रूवल से या कमिश्नर की अप्रूवल से वेरिफिकेशन कर सकता है, अदरवाइज इसी ने चेक करना है। ये कोई अदर ऑफिसर तभी चेक कर सकता है जब उसे कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टैक्स इविजन की मिली हो, उसके कोई एम्प्लॉय ने बताया या कहीं से कोई उसके रिलेटिव ने बताया एटसेट्रा। ठीक है, तो 138 बी क्या बोलता है, जो पीआईसी वो डॉक्यूमेंट लेकर चला ना, हम उनको चेक करेंगे, उसमें मेनली चेक क्या करेंगे, ईवे बिल या आरएफआईडी। ये तो हो गया ईवे बिल की कहानी खत्म। दूसरा, हम आपके कन्वेंस को फिजिकली चेक करेंगे। कौन चेक करेगा? जिसने रोका, और वो कौन होता है, कमिश्नर द्वारा ऑथराइज या कमिश्नर जिसे एम्पावर कर रखा उसने ऑथराइज कर रखा है। क्या इसके अलावा कोई और चेक कर सकता है? हाँ, अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिले टैक्स इविजन की। आओ एक बार रीड करते हैं अपने नोट्स में, फिर आएंगे यहां अगला पॉइंट समझने के लिए। 138 बी, आइए जरा 138 बी पर क्या कहता है। द कमिश्नर और ऑफिसर एम्पावर्ड, कमिश्नर या ऑफिसर एम्पावर्ड बाय हिम, ये दोनों अथोराइज करेंगे किसको? या तो कमिश्नर अथोराइज करेगा, या ये कोई जो कमिश्नर ने जिसे एम्पावर कर रखा है वो अथोराइज करेगा। कौन? या तो कमिश्नर अथोराइज करेगा इसे, या कमिश्नर ने जिसे एम्पावर कर रखा है वो इसे अथोराइज करेगा। टू इंटरसेप्ट क्या होता है? रोकना। एनी कन्विंस टू वेरीफाई, ये इंटरसेप्ट रोकेंगे क्यों? टू वेरीफाई ई वे बिल, हमें ई वे बिल से मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमें आर एफ आई डी से मतलब है। ये आर एफ आई डी रीडर लगे होंगे, वो चेक करेंगे। ई वे बिल फिजिकली हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, फॉर ऑल इंटर या इंट्रास्टेट मूवमेंट। तो हम ई वे बिल नंबर चेक करेंगे, दूसरा, कमिश्नर शैल गेट आर एफ आई डी रीडर्स इंस्टॉल्ड एट प्लेसेस वेयर वेरिफिकेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट एंड वेरिफिकेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ व्हीकल शैल बी डन थ्रू सच डिवाइस रीडर्स, जब ई वे बिल उसमें मैप किया गया। तो हम जगह जगह पर, जैसे टोल नाके पर वो टोल के लिए उन्होंने डिवाइस लगा रखी हैं, ऐसे आर एफ आई डी रीडर वहां पे इंस्टॉल कर देंगे जगह जगह पर, जहां पर ये आर एफ आई डी डिवाइस को रीड किया जाएगा। तो या तो ई वे बिल चेक किया या आर एफ आई डी चेक किया। अब ये ई वे बिल चेक कर लिया, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकती है? जी हाँ, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कन्वेंस हो सकती है। कौन करेगा? कैरिड आउट बाय द प्रॉपर ऑफिसर एज ऑथराइज बाय कमिश्नर या ऑफिसर एम्पावर्ड, जिस ऑफिसर एम्पावर्ड ने इसे ऑथराइज किया था या कमिश्नर ऑथराइज किया था, यही बंदा ही यह फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। क्या इसके अलावा कोई वेरिफिकेशन कर सकता है? हाँ, ऑन रिसिप्ट ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ इविजन ऑफ टैक्स। तो ये वेरिफिकेशन इस ऑथराइज ऑफिसर के अलावा कोई और कर सकता है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक कन्वेंस कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट बाय एनी अदर ऑफिसर After obtaining necessary approval from commissioner या authorized officer। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद 138C पर। आओ अगेन एक बार पहले मैं इसको स्लाइड से दिखा देता हूं, फिर यहां पढ़ लेंगे 138C। डी भी यहीं पे है, ई भी यहीं पे। 138C, गुड्स की इंस्पेक्शन करी गई है ना, उन्होंने चेक किया फिजिकली। अब इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन रिकॉर्ड करनी है, समरी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर अंदर ई वे बिल 03 पार्ट ए में, और फाइनल रिपोर्ट कहां पर? फाइनल रिपोर्ट यही ई वे बिल 03 के पार्ट बी में 3 दिन के अंदर अंदर। ये 3 दिन के लिए फर्दर एक्सटेंशन मिल सकती है 3 डेज की। ठीक है, तो इसमें फाइनल रिपोर्ट में 3 दिन की एक्सटेंशन और मिल सकती है। तो ये 24 घंटे और 3 दिन कब से देखने हैं? जिस दिन रोका गया उस दिन की रात 12 बजे से टाइम काउंट होगा, या फिर आप यूं कह सकते हैं, आप जिस दिन रोका गया है
आपका पहला दिन कब कंप्लीट माना जाएगा? पहला दिन आपका कंप्लीट माना जाएगा या 24 घंटे कब कंप्लीट माने जाएंगे? नेक्स्ट डे की रात 12 बजे। ठीक है, तो आइए अब आप देखें इसे अपने नोट्स में, यही कह रहा है क्या? हाँ जी, समरी रिपोर्ट ऑफ एवरी इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्डेड ऑनलाइन बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन पार्ट ए। ये समरी रिपोर्ट की बात कर रहा है। समरी रिपोर्ट कितने टाइम में? 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन। और फाइनल रिपोर्ट कितने समय में? 3 days ऑफ सच इंस्पेक्शन। और ये 3 दिन वाला फर्दर 3 days के लिए एक्सटेंड हो सकता है क्या? वेयर द सर्कमस्टेंसेस सो वारंट कमिश्नर और ऑथराइज्ड ऑफिसर बाय हिम मे ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन एक्सटेंड द टाइम फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनल रिपोर्ट इन पार्ट बी। फाइनल रिपोर्ट का टाइम एक्सटेंड हो रहा है, नॉट एक्सीडिंग 3 days। ये 24 घंटे 3 दिन कब से देखने आए जी? मिड नाइट ऑफ द डेट ऑन विच व्हीकल वॉज इंटरसेप्टेड। उस डेट को जिस दिन इंटरसेप्ट किया गया उसके मिड नाइट 12 बजे से आपका टाइम ये 24 घंटे या 3 दिन शुरू होगा। अब आते हैं 138 सी के लास्ट पॉइंट पर, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बार वेरिफिकेशन हो गई, दोबारा हो सकती है। एक बार कन्वेंस कि आपने वेरिफिकेशन कर लिया एक स्टेट में, दूसरी बार आप करना चाहते हो उसकी वेरिफिकेशन, कर सकते हो क्या? अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिले चोरी के बारे में, मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुनना। आगे चेकिंग हो रही थी, एक ट्रक वाला पकड़ा गया, उसने फोन करके बता दिया सभी को, जो भी उसके फ्रेंड दोस्त आ रहे थे पीछे ट्रक वाले, उनको बोल दिया आगे चेकिंग हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, चोर रास्ता पता होता सबको, छोटे छोटे व्हीकल अरेंज किए, वहां फोन करके वहीं रुक गए, अपना छोटे व्हीकल अरेंज किए, जो सामान एक्स्ट्रा था उस ट्रक में उतार दिया, खुद जाएंगे मेन रोड से, और उन छोटे छोटे वो जो व्हीकल थे, ऑटो था या जो भी था जिसमें सामान रखा, उनको बोला तुम एक काम करो, चोर रास्ते से दूसरी जगह आना, हम वहां पर मिलेंगे और तुम्हारे से मैं ये वाला सामान ले लूंगा। मेन ट्रक वाले ने जितना एक्स्ट्रा सामान था जो चोरी वाला था जिसका ईवे बिल नहीं था उसको उन्होंने उतारा, बाकी जिनके लिए ईवे बिल था वो इस ट्रक में रह गया, ये चल पड़े मेन रोड से। बीच रास्ते में चेक हुआ फिजिकली वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन आई थी, फिजिकली चेक किया, कोई गलती नहीं पाई गई। अब ये ट्रक आगे चला गया, अब ये ट्रक किससे मिलेगा? चोर रास्ते से जो छोटे छोटे व्हीकल आए हैं वो सारा सामान इसको देंगे, ये अपलोड करेंगे फिर चल देंगे। अब ये अपलोडिंग होते हुए किसी ने देख ली, उसने फोन कर दिया कि ये ऐसे चोरी चकारी हो रही थी, तो दोबारा चेकिंग हो सकती है। तो देखें क्या लिखता है, वेयर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स बींग ट्रांसपोर्टेड एंड कन्वेंस हैज बीन डन ड्यूरिंग ट्रांजिट एट वन प्लेस विद इन द स्टेट और इन एनी अदर स्टेट, नो फर्दर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ सेट कन्वेंस अनलेस अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू विदिंग ऑफ टैक्सेस मेड अवेलेबल सब्सिक्वेंटली। कि दोबारा चेकिंग तभी हो सकती है जब उनके पास दोबारा इंफॉर्मेशन चोरी किया है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, ट्रक वाले को अगर ज्यादा समय के लिए रोका जाता है तो क्या? वेयर अ व्हीकल हैज बीन इंटरसेप्टेड एंड डिटेन्ड फॉर अ पीरियड मोर एक्सीडिंग 30 मिनट्स, ट्रांसपोर्टर में अपलोड द सैड इंफॉर्मेशन ऑन द कॉमन पोर्टल। एक्सप्लेनेशन छोड़ दीजिए, ये सभी रूल्स के लिए, ये कल काम आएगी रूल 138 के लिए। ठीक है, अब आ जाइए 138E, आपकी ब्लॉकिंग कर दी गई, आप ईवे बिल नहीं बना पा रहे हैं। याद कर लीजिए ब्लॉकिंग कब होती है, ब्लॉकिंग कब होती है जी, एक बार बता दो फटाफट से। ये होती है ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग होती है अगर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ने अपनी CMP 08 जिससे टैक्स जमा होता है वो 2 quarters की लगातार नहीं जमा कराई। नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन अगर है, उसने अपनी 2 महीने की लगातार या 2 या 2 से ज्यादा महीने की लगातार GSTR 3B नहीं जमा कराई जिसके साथ टैक्स जमा होता है, या नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन ने अपनी GSTR 1 कोई भी 2 महीने की या कोई भी 2 quarters की नहीं जमा कराई। अगर इस बंदे का ब्लॉक हो गया, क्या ये इको या कुरियर एजेंसी या ट्रांसपोर्टर इन्हें
बोल सकता है जनरेट करने के लिए? नहीं, ये इनके थ्रू भी नहीं जनरेट करा पाएगा। तो मैंने क्वेश्चन बैंक में इस अमेंडमेंट पे अलग से अमेंडमेंट के क्वेश्चन दे रखे हैं, वो मैं दिखा दूंगा अभी आपको। रूल 138E पढ़ेंगे, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब रूल 1 ऑफ रूल 138। ये रूल 138A में ई वे बिल बनाने की बातें बोली हैं। कह रहे हैं नो पर्सन इंक्लूडिंग, इनको भी मना कर दिया, सुनो जी कंसाइनर ट्रांसपोर्टर इको कुरियर एजेंसी तुम्हें भी अलाउड नहीं है, अगर उस बंदे के ब्लॉक हो गए तो तुम भी नहीं बना सकते। नो पर्सन शैल बी अलाउड टू फर्निश इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए, ई वे बिल के फॉर्म पार्ट ए में इंफॉर्मेशन नहीं भर पाएगा। नो पर्सन शैल बी अलाउड टू फर्निश, तो यहां पर नहीं अलाउ हुआ, इसे हम बोलते हैं ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल फैसिलिटी, ब्लॉक कर दिया गया है। इन रेस्पेक्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन वेदर एज अ सप्लायर और रिसिपियंट हु, अब बात कर रहा है पहला, हु बीइंग अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, किसकी बात हो रही है? यहां बात हो रही है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन की। ये कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? कंपोजिशन टीपी लिख दूं टैक्सेबल पर्सन के लिए, टीपी लिख देता हूं, नहीं टैक्सेबल पर्सन पूरा लिखो, फिर आप बाद में भूल जाओगे क्या था टीपी, कहीं टाइम पास ही पढ़ने लग जाओ इसको। तो ये कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन कौन होता है जी? छोटे छोटे व्यापारी, चैप्टर 4 याद है किया था, छोटे छोटे व्यापारी जिनकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 1.5 करोड़ से कम है, सर्विसेज देने वालों के लिए ये नोटिफिकेशन था 2/2019 जिसे अब 10-2A में लिख दिया गया है। इन सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी अब कंपोजिशन स्कीम अलाउड हो गई। वो कितनी है? जिनकी 50 लाख से कम हो, जिनकी टर्नओवर 50 लाख से कम हो। क्या फायदा होता है ऐसे स्मॉल व्यापारियों को, ऐसे स्मॉल लेवल पे काम करने वाले व्यापारियों को? इन्हें टैक्स का रेट इनके प्रोडक्ट पे कुछ भी हो, सिर्फ इन्हें 1% देना पड़ता है। ट्रेडर मैन्युफैक्चरर है तो 1% देना पड़ता है, रेस्टोरेंट है तो 5% देना पड़ता है। और सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं जिनकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 50 लाख से कम है, उन्हें 6% टैक्स देना होता है, 6% टैक्स देना होता है, 3% CGST, 3% SGST, है ना, याद आ गया? तो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन अगर ये 1.5 करोड़ से कम की टर्नओवर है तो 0.5 CGST, 0.5 SGST, रेस्टोरेंट है तो 2.5% CGST, 2.5% SGST, ये देते हैं, इतना कम। वैसे रेट इनका ज्यादा हो, 18-12 कोई भी प्रोडक्ट पे क्या रेट हो उससे मतलब नहीं है, तो ये इनको ये फायदा होता है। ये लोग ई वे बिल न बना पाएंगे। सर सर्विस प्रोवाइडर को ई वे बिल क्या करना होगा? वो गुड्स की मूवमेंट करना चाहता कोई, जैसे मैं कोचिंग की सर्विस दे रहा हूं, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, लेकिन मेरे को अपने कंप्यूटर्स की मूवमेंट करनी है, मेरे को अपने कैमराज की मूवमेंट करनी है, 50,000 से ऊपर की वैल्यू के हैं, तो उसके लिए मेरे को ई वे बिल बनाने की बात आएगी ना। तो जब भी गुड्स की मूवमेंट होगी, कोई भी करे, ठीक है, कोई भी करे, जब भी गुड्स की मूवमेंट करेगा तो ई वे बिल बनाना होता है। तो सर्विस प्रोवाइडर को भी ई वे बिल बनाना होगा अगर गुड्स की मूवमेंट कर रहा है। तो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन या ये कंपोजिशन स्कीम लिया हुआ सर्विस प्रोवाइडर, अब ये वाला सर्विस प्रोवाइडर वाली ये वाली बात सेक्शन 10-2A में लिख दी गई है, इसे भी कंपोजिशन स्कीम बोल दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये क्या हैज नॉट फर्निश, आगे वाली बातें तो ये काम की नहीं है, ये बता रहा कब छपा था ये, हैज नॉट फर्निश द स्टेटमेंट इन CMP 08 फॉर 2 consecutive quarters, अगर उसने अपने टैक्स को जमा कराने के लिए जो GST CMP 08 जमा होता है क्वार्टरली, वो नहीं जमा कराया। इससे क्या जमा होता है? इससे टैक्स डिपॉजिट की डिटेल जाती, टैक्स डिपॉजिट की डिटेल उनके पास, डिपार्टमेंट के पास जाती, टैक्स डिपॉजिट की डिटेल क्वार्टरली। हाँ जी, नेक्स्ट, बीइंग अ पर्सन अदर देन पर्सन स्पेसिफाइड इन ए, अदर देन स्पेसिफाइड इन मतलब नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन की बात कर रहे हैं, जो कंपोजिशन वाला नहीं है। अगर नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है, हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न फॉर अ कंजक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 months, उसने 2 quarter की, कंपोजिशन वाले ने 2 quarter की रिटर्न इकट्ठी नहीं जमा कराई, कंजक्यूटिव 2 quarter की इसने CMP 08 सबमिट नहीं करी,
और इसने नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन ने कंसेक्यूटिव लगातार क्या दो अपनी जीएसटीआर 3B दो मंथ की जीएसटीआर 3B नहीं जमा कराई. हैनेस फर्न इज द रिटर्न फॉर अ कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 months. कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 months या सी पॉइंट में आए बाद में ये प्रोवाइजो पढ़ेंगे. या बीइंग अ पर्सन अदर देन द पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लोज ए. अगेन नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन की बात हो रही है, नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन की बात हो रही है, नॉर्मल टीपी. नॉट फर्निश द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई. स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई क्या है जी, जीएसटीआर 1 फॉर एनी 2 months और क्वार्टर्स. यहां ये बोल रहा है आपने अपनी जीएसटीआर 1 नहीं जमा कराई. हाँ जी, ये जीएसटीआर 1 मंथली किसके लिए जाती है, मंथली जाती है अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है एक ईयर की. एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1.5 करोड़ से ज्यादा है. अगर आपकी 1.5 करोड़ से कम है तो आपकी क्वार्टरली जीएसटीआर 1 जाती है. तो कह रहा अगर ये नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है तो उसने नहीं जमा कराई जीएसटीआर 1, तो इसके लिए नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के लिए दो बातें हो गई, या तो 3B या जीएसटीआर 1. ठीक है, ये नहीं जमा कराई तो हम उसकी उसको पार्ट ए नहीं भरने देंगे. लेकिन लेकिन एक्सेप्शन, कमिश्नर को अगर लगता है केस जेन्युइन है, प्रोवाइड द कमिश्नर में ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन. ये फॉर्म नंबर बताया, फोन नंबर आपको याद रखने नहीं है. ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग अलाउ फर्निशिंग द सेड इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए सब्जेक्ट टू सच कंडीशन रिस्ट्रिक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय हिम. लेकिन अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो रीजंस रिकॉर्ड करना पड़ेंगे. नो ऑर्डर रिजेक्टिंग द रिक्वेस्ट of such person to furnish information in part A under the first proviso shall be passed without affording a reasonable opportunity of being heard. तो बिना opportunity of being heard हम उसकी request को reject नहीं कर सकते, उसे उसकी उसकी बात सुननी पड़ेगी, उसका पक्ष उसका सुनना पड़ेगा. अगर ये permission grant या reject की जाती है SGST या UTGST के commissioner के द्वारा, तो CGST में भी माना जाएगा accept या reject. तो ये हुआ हमारा rule 138E. ठीक है जी, एक बार सारा समराइज कर ले अपने उस चार्ट से और फिर आज की क्लास को यहीं विराम देंगे और बाकी हम करेंगे कल फटाफट से. अब आप देखिए ये अब मस्त मस्त समझ में आएगा. हाँ जी, सबसे पहले स्टेप 1 रूल 138 ये क्या बोलता था बता दो फटाफट से आप साथ साथ. आप पार्ट ए में, पार्ट ए कौन भरता है, जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है. पार्ट ए कौन भरता है, जो भी गुड्स की मूवमेंट कर रहा है. और पार्ट ए भरने के बाद पार्ट बी भरते हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट कन्वेंस की डिटेल जाती है ना. तो ये कितने दिन में, 15 दिन में. लेकिन दोनों ही मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले भरने हैं, फिर क्या मिलेगा, ईवेबल नंबर. पार्ट ए भरने पर UIN, पार्ट बी भरने पर ईवेबल नंबर. हाँ जी, क्या आप पार्ट ए किसी और को भरने के लिए बोल सकते हो, जी हाँ, इको को, कुरियर एजेंसी को, ट्रांसपोर्टर को, इसे भी आप पार्ट ए भरने के लिए बोल सकते हो. सुनो, अगर आपका ईवे बिल ब्लॉक हो गया है, आप इनको ऑथोराइज कर सकते थे पार्ट ए भरने के लिए. अगर आपका ईवे बिल ब्लॉक हो गया, क्या ये तब भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे, ना. अगर आपको मना तो इनको भी मना, अगर आपको मना तो इनको भी मना, मना मना. अब ईवे बिल बन गया, अब क्या करें. अब कहता है जो भी पर्सन इंचार्ज है जब भी सामान लेके जाएगा साथ में ईवे बिल प्लस इनवाइस की कॉपी, मेन डॉक्यूमेंट प्लस इनवाइस की कॉपी. तो उसे इनवाइस डॉक्यूमेंट और डिवाइस लेकर चलनी है. डिवाइस है RFID, अभी वो प्रैक्टिकली इफेक्टिव नहीं हुई है. तो हमें डॉक्यूमेंट और डिवाइस लेकर चलनी है. डॉक्यूमेंट, प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या है, इनवाइस, और आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या है, ईवेबल फिजिकल फॉर्म या ईवेबल नंबर. इनवाइस की जगह एग्जाम सामान है बिल ऑफ सप्लाई, सप्लाई ही नहीं है तो डिलीवरी चलान. अच्छा, ई इनवाइसिंग है तो IRN. अच्छा, ये लेके चले, क्यों लेकर चले, क्यों लेकर चले, क्योंकि बीच रास्ते में चेकिंग हो सकती है इसलिए. अच्छा, ये ईवेबिल और RFID जरूरी है अगर आप रेल एयर वेसल से ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं. अरे, पार्ट बी भरने के लिए उनके पास डिटेल ही नहीं होगी, तो इसलिए इनके लिए मना कर दिया.
ठीक है, नेक्स्ट अब होगी चेकिंग, बीच रास्ते में चेकिंग, ई वे बिल नंबर देखेंगे, आरएफआईडी देखेंगे, ये देखने के बाद फिजिकली कन्वेंस का चेक करना चाहें तो करेंगे। अब अगर ये चेक किया गया है तो इसकी रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट 24 घंटे में अपलोड करनी है उनको, और फाइनल रिपोर्ट 3 दिन में, और 3 दिन की एक्सटेंशन हो सकती है। 24 घंटे और 3 दिन कब से लिया जाएगा? जब व्हीकल इंटरसेप्ट किया गया। नेक्स्ट, अगर आपको 30 मिनट से ज़्यादा, आधे घंटे से ज़्यादा रोका जाता है तो ट्रांसपोर्टर भी इसकी कंप्लेंट कर सकता है। और लास्ट ये ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल, कब हो सकता है ब्लॉकिंग? ये अमेंडमेंट थी इस बार की, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर दो कंजिक्यूटिव क्वार्टर के लिए लगातार कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ने अपनी सीएमपी 08 नहीं दी, नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन ने 2 महीने की लगातार अपनी जीएसटीआर 3 भी नहीं दी, या उसने अपनी जीएसटीआर 1 कोई भी 2 महीने या 2 क्वार्टर की नहीं जमा कराई है नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन ने, ठीक है, ये कंपोजिशन को नहीं देनी होती जीएसटीआर 1। और अगर आपको मना, तो आपके बिहाफ पे जो ट्रांसपोर्टर इको कुरियर एजेंसी बना सकते थे उन्हें भी मना मना मना। हाँ जी, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन होमवर्क में दे दूँ। जी सर, इसके क्वेश्चन हमें होमवर्क में दे दो। अच्छा, इस चैप्टर के एंड में क्वेश्चन बैंक में देखें, एंड में आपको अमेंडमेंट पे भी क्वेश्चन दे रखे होंगे। मैंने हर चैप्टर में जो भी अमेंडमेंट हुई हैं उनके क्वेश्चन भी आपको अलग से दिए हैं, क्योंकि अमेंडमेंट है तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको एंड में दिया है, हर चैप्टर के एंड में। तो देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 47 जो शुरू हो रहा है ये अमेंडमेंट पे है, तो ये आप होमवर्क में लिख लेना। ठीक है, व्हाट इज ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल, तो यहां पे आपको आंसर लिखना चाहिए। क्या रिसिपिएंट जनरेट कर सकता है ई वे बिल अगर आपका ब्लॉक हो गया हो, या इको कुरियर एजेंसी ये आपका ई वे बिल ब्लॉक हो रखा है तो ये बना के दे सकते हैं? नहीं। अनब्लॉकिंग कैसे होगी? और ये डिन, क्योंकि इस बार की ये भी अमेंडमेंट थी तो उस पर भी मैंने क्वेश्चन आपको बनाकर दिया है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, कल हम डिस्कस करेंगे। और कल हम करेंगे ई वे बिल रूल 138 डिटेल में। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल। ओके जी, बाय बाय।